Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi, everyone. वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गाइस क्रैश कोर्स सीरीज़ में अभी तक हमने सिक्स चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं अगर आप देखना चाहते हैं उनका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप चेक कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से, से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जैसे नर्स टिक क्वेश्चन या फिर उसकी एप्लीकेश्स हर बार एग्जाम में पूछी जाती है ठीक है और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का मतलब कि गलवेनिक सेल वाला पोर्शन पढ़ेंगे नर्स टिक क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसकी एप्लीकेश्स देख लेंगे पोटेंशियोमेट्री मेट्री टाइट्रेशन देख लेंगे और लास्ट

है ना कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है कहने के लिए बहुत सिंपल से फॉर्मूले है लेकिन हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है ठीक है तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो यूनिट कन्वर्जन का आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आएंगे आज जो रिविजन क्लास है अपनी इलेक्ट्रो की है इसमें हम आपको यूनिट्स भी रिवाइज करवाने वाले हैं ठीक है थीके? तो जितनी भी वीडियो है आपको पूरी देखनी है ताकि आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपने रिवाइज नहीं किया हुआ या फिर नहीं पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से देख लेना एक बार अभी ना लास्ट के जो कुछ एग्जाम्स हुए दो तीन उसका मैंने एनालिसिस यहाँ पे लिखा है सो so, जो भी अपना एग्जाम हुआ था जून 2021 वाला जो कि फेब में हुआ है उसमें ना इन तीन टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आपको रिलेशन बताना था तो सिंपल सी इक्वेशन होती है उसको सिर्फ रीअरेंज करना था बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कई बार ना आपसे एल्फा की वैल्यू भी पूछते हैं एल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सो ऑस्टूअल डायल्यूशन लो लगा के सिंपल एल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जा सकती है आपको पता होना चाहिए और जो ये वाला फॉर्मूला होता है ये भी आपको आना चाहिए अप्लाई करना ठीक है यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार सिंपल फ्रेम हो जाता है इसके अलावा जो नर्स्ट इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन है वहाँ से हम डेल्टा एच यानी कि इन चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस बार हिसाब में डेल्टा एच कैलकुलेट करवाया था इन तीनों के फॉर्मूले आपको टिप्स भी होने चाहिए ताकि डिराइव करने में एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो ठीक है इसके अलावा पोलेरोग्राफी से क्वेश्चन आया था अब जिस स्टूडेंट ने पोैरोग्राफी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है आपकी रिविजन हो जाएगी आज वाली क्लास में जिसने नहीं पढ़ा हुआ है जब भी टॉपिक आएगा पोलेरोग्राफी वाला लास्ट में करवाएंगे मैम आज डे करवाएंगे तो आपको ना प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उसके ठीक है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम साथ साथ कवर करवाएंगे तो आपको अच्छे से लिख लेना है उतना ही सफिशियंट होगा एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्ट करने के लिए अब बात करते हैं जून ट्वेंटी जून 2020 की तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया नर्स के क्वेश्चन के ऊपर सिंपल नर्स इक्वेशन आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब सिंपल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उसी के बेसिस पे ग्राफ बनवाया था उसका कुछ क्वेश्चन हुआ क्या इंटरसेप्ट क्या आएगी स्लोप क्या होगी उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था ठीक है तो ये आपको करनी है अच्छे से अगर करी हुई है ग्राफ है आप बना ही लेंगे आराम से इसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आया मैं बता रहा हूँ चार पांच फॉर्मूले होते हैं कंडक्टर्स वाले पोर्शन में वहाँ से क्वेश्चन आता ही है और फिर क्वेश्चन आया मीन आइनिक एक्टिविटी कोफिशेंट से ये इंपॉर्टेंट है गेट में ज्यादा पूछते हैं वैसे ये वाला फॉर्मूला लेकिन आप नेट में भी पूछ रहे हैं तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे ठीक है प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करेंगे ध्यान से देखना एकदम अगर बात करते हैं दिसंबर 19 की लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से जनरल जनरली आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस बार पूछा गया था तो इसका भी बेसिक आइडिया आपको आज वाले वीडियो में मिल जाएगा देख लेना वहां से फिर से नर्स्ट इक्वेशन पूछी गई और कैलकुलेशन करवाई गई कि इक्विब्रियम की ये भी नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ही था जैसे ही इक्लिब्रियम आएगा सेल को हम जीरो कर देते हैं so, सो इन और सेल की टर्म्स में आपसे के इक्ब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करवाई गई थी ठीक है तो ये वाला पोर्शन है जो रिसेंटली एग्जाम से पूछा गया है फिर से ऐसा ही होगा सिमिलर रहने वाला है नया क्वेश्चन फ्रेम होगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें सो so, आज वाली क्लास में हम आपको पूरी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करवाने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जो होगी आपको क्वेश्चंस की मिलने वाली है आपको ध्यान से देखना है जो भी आपको लगे कि ये वाला नया पॉइंट हमने समझ लिया आज वाली क्लास में उसको अपने नोट्स में नोट no डाउन कर लेना और बार बार रिवाइज करते रहना ठीक है तो अभी के लिए वाली पूरी वीडियो देखना और अपना फीडबैक मुझे पक्का बताना कॉमेंट सेक्शन में हाय एवरीवन तो हमारी क्रैश कोर्स की जो सीरीज स्टार्ट है उस सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ तो देखो हमने क्या मेन मोटिव है क्रैश कोर्स का कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको टच करते हुए चलेंगे उनका डिटेल थोड़ा मतलब इतना डिटेल नहीं हल्का बेसिक आपको पता होना चाहिए उसका ट्रिक पार्ट देखते हुए चलेंगे किसी भी क्वेश्चन को हम फास्ट uh, कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है ये मेन मोटिव है हमारे क्रैश कोर्स का तो आज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो कलराश लॉ से एक तो आता है कॉलराश लॉ नर्स लॉ डिबाई हक्कल मतलब टॉपिक्स ऐसा सच उसमें ज़्यादा नहीं है बट जो सब डिवीजन है ना जैसे कॉलराज लॉ का एप्लीकेशन हुआ तो वहाँ पे आपको क्या है कि आ, के ए सी अल्फ़ा जो आपका ऑस्ट्रॉल डाइल्यूशन लॉ होता है वहाँ से अल्फा कैलकुलेट करवाते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसी वीक एसिड का कैलकुलेट करवाते हैं या फिर अभी लास्ट जो रिसेंट के दो पेपर्स थे आई गेस फेबर नवंबर वाले उसमें आपसे जो लेमडा वर्सेज रूट सी का ग्राफ होता है उसके डिफरेंट वेरिएशन पूछे जाते हैं सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा अल्फा की वैल्यू रख के डिफरेंट ग्राफ्स पूछे जाते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन डिराइव करवाई जाएगी लॉ में एक बेसिक नर्स लॉ उस नर्स लॉ से हम क्या क्या टेम्परेचर कॉफिशेंट जो हमारा रहता है ठीक है डेल्टा एस डेल्टा एच डेल्टा जी ये सब जो हमारे थर्मोडायन पैरामीटर्स होंगे उस पर्टिकुलर सेल के वो निकालना वो सब आएगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है वहां तक इसके बाद डिबाई हक्कल आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्ट इफेक्ट जो सॉल्ट इफेक्ट है ना इससे फ्रीक्वेंट ईयर्स में चार नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सॉल्ट इफेक्ट से ठीक है और जो आयनिक स्ट्रेंथ डिबाई हक्कल इक्वेशन इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमारा हम इन टॉपिक्स को टच करते चलेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे इनका थ्योरी पार्ट मतलब उतना भी थ्योरी नहीं उसमें जो है बेसिकली हम थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि फिजिकल uh, है मेनली इसमें फॉमूला इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है बट वहाँ मेन हमारा गलती होती है जहाँ पे यूनिट कन्वर्जन रहता है ठीक है तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हमें यूनिट कन्वर्ट करनी है कहाँ मेन हमारी मिस्टेक्स होती है ठीक है उसके बाद अगर आप लास्ट के तीन ईयर के पेपर देखो ठीक है एक ही पुलैरोग्राफी ये रिसेंट ईयर्स में आने लगा ये टॉपिक पुलैरोग्राफी का इसमें से अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड या फिर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो इस वीडियो के एंड में हम एक बार पुलैरोग्राफी भी देखेंगे उसका बेसिक क्या है किस तरीके से वर्क करता है इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है पुलैरोग्राफी का एडवांटेज क्या है इसका वो सब देखेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक गैल्वेनिक बिल्कुल बेसिक है हमें पता है कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की और गैल्वेनिक सेल की तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि जो कैथोड है और जो एनोड है उस पर हो क्या रहा है रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे ही बेस्ड है हमें पता होना चाहिए कैथोड क्या है एनोड क्या है तभी तो हम किसी भी सेल का ई नॉट कैलकुलेट कर पाएंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में ठीक है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये याद रखना है आपको ऑन द अदर हैंड गैल्वेनिक सेल क्या करता है गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी ठीक है केमिकल एनर्जी से डिराइव करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये तो इनके बेसिक वर्किंग में डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और गैल्वेनिक कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है आपके हर सेल में एक कैथोड होगा एक एनोड होगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन होगा ठीक है एक कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा उसमें ये डिप होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में बेसिकली क्या होते हैं आपके आय होते हैं है ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया ये है एक्सटर्नल बैटरी ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा ये नेगेटिव एंड हो जाएगा तो होता क्या है जो भी हमारी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा एनायंस को अट्रैक्ट करेगा ठीक है नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को एनायन नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो जो पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट करेगा एनायंस को और इसलिए इसको क्या बोलेंगे एनोड बिकॉज इट अट्रैक्ट्स एनायंस बिकॉज इट अट्रैक्ट्स एनायन इसीलिए एनोड और जो कैथोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज और ये अट्रैक्ट करेगा कैटायंस को कंपेरेटिव कर कंपेरिजन करते हुए चलेंगे कि गैल्वेनिक सेल में क्या होगा गेलवेनिक सेल में हमारे पास टू डिफरेंट बीकर्स होते हैं ठीक है टू डिफरेंट बीकर्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली इस सेल में अगर हम देखें तो इस सेल में हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी दे रहे हैं वो इस सोल्यूशन में ये यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बैटरी के एक, एक एंड से वो इलेक्ट्रॉन्स इस सोल्यूशन में जाएंगे इस सोल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट हैं उनका डिपेंडिंग अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे होगा उस चीज़ को हम आगे देखेंगे बट बेसिकली इसमें क्या होगा अगर कोई भी दो आयन है ए प्लस है फॉर एक्जाम्पल और बी प्लस है नेगेटिव आयंस भी होंगे इतना आप हमेशा मान के चलो कि पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है नेगेटिव आयंस उसमें ही प्रेजेंट होंगे तो इसमें से डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड डिपेंडिंग अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा वो हम बाद में देख लेंगे है ना जो हमारा गेलवैनिक सेल होता है गेलवैनिक सेल में बेसिकली दो डिफरेंट बीकरस होते हैं दो डिफरेंट बीकरस होते हैं अगेन टू कै टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड बाय अ वायर और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है ठीक है अगर रफली स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होता है गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर गैल्वेनिक सेल में इसको कैसे याद करोगे आप देखो गैल्वेनिक सेल में जो ए एनोड है वो लेफ्ट पे होगा लेफ्ट पे एनोड ठीक है ये होगा आपका एनोड और ये राइट right है ये होगा कैथोड ठीक है आप एक याद कर लो उसका जस्ट रिवर्स क्या होगा कैथोड आपको एनोड याद कर लेना है एनोड इज ऑन लेफ्ट एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा दैट इज नेगेटिवली चार्ज जो एनोड होगा हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और उस पर होगा ऑक्सीडेशन ठीक है ई इलेक्ट्रोड ओके यहाँ पे एनोड क्या है नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे एनोड क्या है पॉजिटिवली चार्ज है ठीक है तो ये डिफरेंस है सिर्फ चार्जेस में डिफरेंस आया है जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं गैल्वेनिक सेल के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिवली चार्ज जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज कैथोड उसका नाम इसलिए बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग कैटायंस और एनोड नाम इसीलिए बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग एनायंस तो बेसिकली हो क्या रहा है एनोड पे हमेशा जो भी हमारा एनोड होगा चाहे गैल्वेनिक सेल का हो चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा उसके नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होने से कोई फ़र्क नहीं है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है और कैथोड पे हमेशा ही दोनों ही केसेस में रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इतना हमें पता है ठीक है अब देखते हैं कि दोनों आ, जो है दोनों का चार्ज डिफरेंस है दोनों का चार्ज अलग अलग है फिर भी एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एक पे रिडक्शन हो रहा है किस तरीके से देखो यहाँ पे जो एनोड है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज है इसमें हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं करी है बस मेन डिफरेंस सारा यहीं से आता है इसमें यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर किसी एक का रिडक्शन होगा और किसी एक का होगा ऑक्सीडेशन अगर हम एनोड कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने बोला है कि ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब जो भी मेटल आयन इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में प्रेजेंट है मेटल एंड मेटल आयन दोनों है ये मेटल है ठीक है ये जो मान लो हमारे पास अगर ये ए मेटल है तो इसके सोल्यूशन में ए प्लस आयन्स होंगे अगर ये बी मेटल है तो यहाँ सोल्यूशन में बी प्लस आयन्स होंगे ठीक है दोनों साइब कंडीशन सेम है अब मान लो कि हमने इसको मान लिया ये एनोड है तो एनोड क्या है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है एनोड हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे ये हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हो क्या रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड और वहां पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन से जीरो जा रही है मतलब रिडक्शन है इसीलिए जो हमारा कैथोड है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज ठीक है एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज अब इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है एक चीज हमेशा याद रखनी है ये क्वेश्चन आया भी है जो आपका वायर है ये वायर है कोई भी प्लेटिनम वायर फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेटिनम वायर है या कोई भी वायर है जिससे हमने एनोड्स को कनेक्ट किया हुआ है तो इस वायर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ठीक है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा अब एक चीज इमेजिन करो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए यहां पे, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे तो एक्सेस नेगेटिव हो गया फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो जो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस मूव होते हैं और वायर के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे और आयंस कभी भी वायर के थ्रू मूव नहीं होंगे ये याद रखना सॉल्ट ब्रिज में मूवमेंट किसकी होगी आयंस की और जो हमारा वायर है उसमें मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की अब सॉल्ट ब्रिज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है सर्किट को कंप्लीट कर रहा है यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया यहाँ से फ्लो होके ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट ठीक है सॉल्ट ब्रिज हमारा सर्किट कंप्लीट कर रहा है इसके कंडीशन ये रहती है कि इसमें जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट इसमें फॉर एग्जांपल जैसे एन एच फोर एन ओ थ्री एन एच फोर एन ओ थ्री तो इसकी एक कंडीशन है कि जो भी हमारा कैटाइन प्रेजेंट होगा इस इसमें सॉल्ट ब्रिज में जो भी कैटाइन प्रेजेंट है और जो भी एन प्रेजेंट है उन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए ठीक है तो अगर हम कंक्लूड करें इस पर्टिकुलर चीज को तो हमारे पास क्या आएगा कैथोड हमेशा इस पर रिडक्शन होगा ठीक है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा ये तो आपको याद रखना ही रखना है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल किसी एक को याद रखो दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है दूसरा अपने आप उससे निकाल लोगे एनोड इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज पॉजिटिवली चार्ज बस अब अगर गैल्वेनिक में एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा एनोड गैल्वेनिक में नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर एनोड पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा ठीक है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है ओके रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो इसमें इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जैसे जो हमारा बेसिक हम फिजिक्स में टेंथ में पढ़ते हैं जो ओम्स लॉ होता है ठीक है ओम्स लॉ जो होता है आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है आर इज द रेजिस्टेंस आर इज रेजिस्टेंस रो इज रेजिस्टिविटी एल इज द लेंथ लेंथ ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड ए इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उनका एरिया क्या है तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी हिंड्रेंस जो क्रिएट हो रही है करंट के फ्लो होने में दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर सल्यूशन ठीक है जिसकी भी हम बात करें जो जिसके भी थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर की सब्सटेंस की टेंडेंसी ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट जब हम वन सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं ठीक है एल ए जो एरिया इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें जो हमने जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं उनके बीच में डिफरेंट डिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है कैथोड एनोड के बीच में और उनका एरिया ठीक है ये हो गया हमारा ओम्स लॉ अब इसमें आता कैसे बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है यूनिट्स में जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है ओम्स ठीक है या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिखी मिल सकती है आपको ओम एल लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी या तो मीटर होगी या तो सेंटीमीटर होगी ये क्या होगा या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इतना समझ में आ गया तो अगर आप यहाँ से निकालोगे रेजिस्टिविटी की यूनिट तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल ओम इंटू सेंटीमीटर दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ठीक है रेजिस्टिविटी अब कंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया था कि जो डिफिकल्टी हो रही है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टेंस को क्या हम डिफाइन करेंगे इज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कंडक्टेंस को लिखोगे न्यूमरिकली अगर आप फॉर्मुला वाइज देखना चाहो तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अगर ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो आप इसकी यूनिट बता सकते हो वन अपॉन ओम या फिर ओम इनवर्स ओम इन्वर्स को और क्या बोलते हैं साइमंस ठीक है साइमन्स। ओम ओम या फिर साइमन्स, एक ही बात है अगर अगर मैंने ओम इन्वर्स को साइमन लिखा है तो मैं साइमन इनवर्स को ओम लिख सकती हूँ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं अगर ओम इनवर्स को साइमनस लिखा है तो साइमन इन्वर्स को ओम लिख सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये हो गया हमारा किसकी यूनिट जी जी इज वॉट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी यहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जब हम न्यूमरिकल करेंगे तो हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में कंडक्टेंस इन कंडक्टिविटी अगर वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम देखेंगे यूनिट्स क्या हैं क्योंकि कई बार जो है यूनिट्स uh, के बेसिस पे ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अदरवाइज आपका आंसर हो जाना है गलत ठीक है अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज वॉट डिनोटेड एज कप्पा और काज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ठीक है रेजिस्टिविटी तो इसको डिफाइन करेंगे कि वन सेंटीमीटर क्यूब में कितनी इजिली टेंडेंसी क्या है वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको कंडक्ट करने की टेंडेंसी क्या है मेजर क्या है वो है कंडक्टिविटी इसकी यूनिट क्या होगी देखो रोकी हमने यहाँ यूनिट क्या निकाली थी ओम सेंटीमीटर ठीक है इसकी अगर यूनिट रखोगे आप वन अपॉन ओम सेंटीमीटर इसको रिवर्स ले जाओ ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स ये यूनिट भी सही है ऑब्वियसली और अगर आप ओम इन्वर्स को और क्या लिख सकते हो साइमंस, साइमंस सेंटीमीटर इन्वर्स अगर आपका जो एरिया है जो लेंथ है उसकी अगर मीटर में बात हो रही हो तो साइमन इंटू मीटर इन्वर्स ये यूनिट हो जाएगी बेसिकली ये यूनिट जो है वो आपकी लेंथ की रहेगी लेंथ इन्वर्स और यहाँ पे रहेगा साइमन या फिर ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स ठीक है तो आपको इनके बेसिकली सिर्फ यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो वहाँ पर अब जैसे हम आगे देखेंगे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस तो उसमें क्या आप डिफ्रेंशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑलवेज आप हमेशा यूनिट्स को देखेंगे उसके डिसाइड करेंगे कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में दे क्या रखा है ठीक है कंडक्टेंस की अगर हम बात करें कंडक्टेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज दो टाइप की कंडक्टेंस होती है पढ़ा होगा आपने मोलर कंडक्टेंस एंड सेकेंड वन इज इक्यू कंडक्टेंस ठीक है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या थी हमारी कंडक्टेंस इज इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अब हमारा मोलर कंडक्टेंस क्या होगा कि वन मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वन मोल का कंडक्टेंस क्या है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वन मोल का कंडक्टेंस क्या है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के वन इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस क्या है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ठीक है आई होप आपको मोल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस पता होगा एक बार देख लेते हैं कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सी ए टू प्लस की अगर मैं इसका मोलर मास लिखूँ दैट विल बी इक्वल टू फोर्टी ठीक है दैट विल बी इक्वल टू फोर्टी लेकिन अगर मुझे सी ए टू प्लस का इक्यू मास लिखना है इक्व मास तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्टी अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज टू इक्ु एल एन मासज टू बिल्कुल सिमिलर है मोलर और इक्विवेलेंट यहाँ पे वही है जैसे अगर हम मोलैरिटी uh, को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है अगर हम मोलैरिटी डिफाइन करें दैट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी अगर हम डिफाइन करते हैं एम मोलैरिटी मतलब मोल्स नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं हम ऊपर और नीचे वॉल्यूम होता है इन लीटर्स ठीक है और अगर हम मोलैलिटी इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी डिफाइन करते हैं तो होता है नंबर ऑफ इक्यू ठीक है नंबर ऑफ इक्ट्स ये वाला कंसेप्ट तो पता है ना नंबर ऑफ इक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है उसका मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस यहाँ बात करेंगे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की यहां बात करेंगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की ठीक है तो अगर हम मोलर कंडक्टेंस डिफाइन करना चाहें तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू लेमडा एम से डिनोट करते हैं इसे लेमडा एम इट इज इक्वल्स टू कापा अपॉन सी सी कंसंट्रेशन इन मोल्स मोल पर लीटर वाली कंसेंट्रेशन होगी यहां पे सी और अगर हम इक्वलेंट कंडक्टेंस डिफाइन करें दैट इज इक्व टू कपा अपॉन सी इक्वेलेंट मतलब इक्व एलेंट कंसेंट्रेशन यहां पे आप लेंगे मोलर कंसेंट्रेशन यहां पे आप लेंगे इक्वलन कंसेंट्रेशन लैमडा एम एंड लैमडा इक्वेलेंट ओके सो रिलेशन बिटवीन लैमडा एम एंड लैमडा इक्विवेलेंट तो अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा लैमडा एम एंड लैमडा इक्विवेलेंट का तो लैमडा एम वॉज इक्वल्स टू कापा बाई सी मोलर कंसंट्रेशन एंड लैमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कापा बाई सी इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन होती है अगर हम इसको लेमडा एम अपॉन लैमडा इक्विवेलेंट दोनों का इक्वेशन का डिवाइड कर दें तो कापा से तो कापा कैंसिल हो जाएगा ठीक है अपॉन सी सी इक्विवेलेंट

ठीक है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मास अपॉन मोलर मास जैसे नंबर ऑफ मोल्स सिमिलरली मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास इसको आप कैसे लिख सकते हो लेमडा एम अपॉन लैमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऊपर गया ठीक है ये तो कैंसिल हो गया मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास को आप क्या लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन जेड जेड इज जेड फैक्टर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन जेड जो हमारा जेड फैक्टर होता है अगर हमने इसको वैसे लिखा तो ऊपर हमारा मोलर मास फॉर एग्जाम्पल मैं उसको अगर एम से डिनोट कर दू अपॉन इक्विवेलेंट मास इज एम बाई जेड फैक्टर एम से एम कैंसिल एम इज मोलर मास ठीक है दिस इज इक्वल टू जेड लेमडा एम इज इक्वल्स टू जेड इंटू लेमडा इक्वलेंट ठीक है ये आ गया आपका रिलेशन लेमडा एम इज इक्वल्स टू जेड इंटू लेमडा इक्वेलेंट इसका काम का आएगा जब भी आपके किसी आ, कोई भी सॉल्ट दे रखा है उसकी मोलर कंडक्टेंस आपको गिवन है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लीजिए एफ ई सी एल टू दे रखा है ठीक है एफ ई सी एल टू इसको आप कैसे लिख सकते हो एफ ई टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ इस पर टोटल पॉजिटिव चार्जेस टू और टोटल नेगेटिव चार्जेस टू तो z फैक्टर क्या होता है या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लीजिए या तो टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लीजिए तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है टू और टोटल नेगेटिव चार्जेस टू तो अगर आपको आपके पासस इसकी फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कोई वैल्यू ले लेती हूँ वन uh, एटी दे रखी है इसकी मोलर कंडक्टेंस यूनिट्स अभी हम बात नहीं करें वन दे रखी है मोलर कंडक्टेंस तो आपकी इसकी इक्वेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी लेमडा एम अपॉन जेड तो लेमडा एम अपॉन Z तो इक्वेलन कंडक्टेंस तो, हो जाएगी 90 अब अगर हम बात करें इनकी यूनिट्स की ठीक है इनकी यूनिट्स की बात करें तो लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा अपॉन सी तो इसकी यूनिट क्या थी वन अपॉन रेजिस्टिविटी यहां से आई थी ठीक है <coughs> यहां पे हमने देखी थी इसकी यूनिट कापा की यूनिट क्या थी इसका इनवर्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये इसकी यूनिट्स थी ठीक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसको कंबाइन न कर लेना यह है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट या फिर साइमन मीटर इनवर्स तो कापा की यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स ठीक है अपॉन सी क्या है कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर ठीक है कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर अब हमें एक रिलेशन पता है कि वन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू थाउजेंड लीटर वन मीटर क्यूब इज इक्व टू थाउजेंड लीटर मतलब मीटर क्यूब और लीटर दोनों ही किसकी यूनिट्स हैं दोनों ही किसकी यूनिट्स है हमारी वॉल्यूम की यूनिट्स है ये होता है रिलेशन आप साइड में रिलेशन भी नोट करो वन मीटर क्यूब इज इक्व टू थाउजेंड लीटर एंड वन लीटर इज इक्व टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ये बहुत यूज़ आने वाली है आपको इस पूरे चैप्टर में क्योंकि जब भी आप बात करोगे यहाँ पे मेन मिस्टेक हमारी यही होती है जो भी हमारा क्वेश्चन आता है हम उसमें डायरेक्टली हमें कंसंट्रेशन फ़ॉर एग्जांपल, किसी की भी कंसंट्रेशन दे रखी है पॉइंट एम तो दिस एम इज़ मोल पर लीटर एक्चुअल में दिस एम इज़ मोल पर लीटर आपको चाहिए कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर की टर्म्स में ठीक है यहाँ से यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब की टर्म्स में तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए ये है मोल पर मीटर क्यूब क्योंकि अभी हम सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं लीटर की जगह मीटर क्यूब नहीं लिखा है सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं लीटर की जगह मीटर क्यूब लिखा है वो टेन के पावर को भी कंसिडर नहीं किया है है ना सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये जो लीटर है या फिर मीटर क्यूब है दोनों ही किसकी यूनिट्स है वॉल्यूम की तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे साइमन मोल इनवर्स मीटर इनवर्स मीटर क्यूब साइमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर और साइमन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स ये आपकी यूनिट किसकी हो जाएगी दिस इज द यूनिट ऑफ लेमडा एम इसको आप ध्यान रखोगे तो जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम किसके बेसिस पे जज करेंगे यूनिट्स के बेसिस पे आपको कभी कभी क्वेश्चन में पॉसिबल है कि आपको कंडक्टेंस लिख के दिया जाए और कंडक्टिविटी दे दें ठीक है तो आप हमेशा यूनिट्स पर ध्यान देंगे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको वो बोल, बोलते रहे हैं वो कंडक्टेंस और दे रहे हैं रजिस्टिविटी की रजिस्टिविटी की वैल्यू तो आपको वहाँ पे यूनिट्स चेक करनी है कि अगर मोलर कंडक्टेंस है तो वहाँ पर मोल आएगा सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं इक्वल कंडक्टेंस की तो सब कुछ सेम है वहाँ पे हमने क्या लिया था सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्वल लिए थे तो अगर हम लैमडा इक्वेलेंट की यूनिट लिखेंगे लैमडा इक्वेलेंट इज इक्वल टू नॉट लैमडा उसकी यूनिट यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर इक्वेलेंट इनवर्स ठीक है साइमन मीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स यहाँ पे अगर आपसे बात की जा रही है सेंटीमीटर की टर्म्स में तो यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्ूवेल इनवर्स ठीक है ये हो जाएंगी आपकी यूनिट्स आपको ये बिल्कुल एकदम अच्छे से याद करके रखनी है और जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप मेक श्योर प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं सी की आपको क्वेश्चन में हमेशा मोल पर लीटर यूजुअली आपको मोल पर लीटर में यूनिट्स दी जाएंगी आपको उसे कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ दिस अगर आपको इसकी यूनिट्स अगर आपको कापा की यूनिट्स साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में दे रखी है तो आप यहाँ पे मोल पर मीटर क्यूब भी नहीं लिखेंगे आप किसके टर्म्स में बात करेंगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में ठीक है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में और कन्वर्ट कहाँ से करेंगे आप ये रे आपके पास दो वन मीटर क्यूब इजिकल्स टू थाउजेंड लीटर एंड वन लीटर इजिकल्स टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब आप यहाँ से कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी जब भी फिजिकल का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं आप हमेशा उसकी यूनिट सॉल्व करें साथ साथ न्यूमरिकल पोर्शन अलग चलाएं यूनिट्स अलग चलाएं यूनिट्स हमेशा सॉल्व करके लेके फिर आप जब आंसर भी मार्क कर रहे हैं तब भी प्रॉपरली देखें कि आपने किस यूनिट में आंसर निकाला और आप किस यूनिट में आंसर पूछा गया और किस में मार्क कर रहे हो ठीक है फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है सॉल्व आप पूरा सही कर लोगे मात खा जाओगे जब आप यूनिट्स की बात आएगी ओके इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तो बेसिकली जब हम किसी भी कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ठीक है कोई भी हमारे पास सोल्यूशन दे रखा है अगर हमने उसका डाइल्यूट किया डाइल्यूट मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड अगर हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया तो बेसिकली क्या होगा किस पे इफेक्ट पड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे हम जो कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी मैंने कापा एंड लेमडा एम ठीक है इन दोनों पर क्या डिफरेंस होगा जी पे क्या डिफ्रेंस होगा ठीक है ये तो कप्पा बेसिकली क्या था कि पर सेंटीमीटर कप्पा किस पे डिपेंड कर रहा था कि पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे कितने आयन्स हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं इनिशियली मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली कोई सोल्यूशन था उसमें इस तरीके से पर यूनिट में एक जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें टेन आयन्स थे जो कंडक्ट कर रहे थे ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम में टेन आयन कंडक्ट कर रहे थे इनिशियली आफ्टर डाइल्यूशन जब हमने उसका डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम हुआ इंक्रीज ठीक तो है वॉल्यूम हुआ इंक्रीज अब आयंस तो उतने ही हैं ठीक है आयंस तो उतने ही हैं लेकिन दे आर स्प्रेडेड ओवर अ लार्जर नंबर ऑफ वॉल्यूम ठीक है तो यहाँ पे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पहले यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में फॉर एग्जाम्पल टेन आयंस थे ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम में फॉर एग्जाम्पल टेन आयंस थे अब कितने रह गए होंगे लेट्स ए सेवन क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ आयंस टोटल तो मान लो हंड्रेड ही है ठीक है टोटल हंड्रेड है और टेन लीटर का वॉल्यूम है तो आपने डिवाइड बाई टेन किया हंड्रेड अपॉन टेन लीटर तो आपके कितने आ गए टेन आयंस पर लीटर लेकिन जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो आयंस तो उतने ही है अभी भी हंड्रेड है आपने वॉल्यूम इंक्रीज करके फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी कर दिया तो आपके कितने आयंस हो गए फाइव फाइव आयंस पर लीटर तो आपके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आर डिक्रीज उस वजह से आपकी कापा की वैल्यू जो होगी कंडक्टिविटी दैट विल डिक्रीज ठीक है अलोंग विद डाइल्यूशन मतलब इंक्रीज करने अगर हम डाइल्यूशन की अमाउंट इंक्रीज करते जाएं तो कापा की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर हम लैमडा एम की बात करें तो लैमडा एम कैसे डिफाइन कर रहे थे हम अभी उसका एक और फॉर्मूला भी होता है अगर हम लेमडा एम को डिफाइन करें लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा बाई सी बोला था या फिर लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू वॉल्यूम ठीक है ये जो हमारा वॉल्यूम है क्या हुआ जब हमने डाइल्यूशन किया तो इसकी वैल्यू तो डिक्रीज़ हुई लेकिन आप ये भी तो सोचो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है लेकिन वी की वैल्यू तो इंक्रीज हुई है ना तो यहाँ पे हमारे पास दो अपोजिंग फैक्टर्स आ गए कापा की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है वी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो इसकी वजह से क्या होगा ये एक जो भी फैक्टर डोमिनेट करेगा ओवरऑल वही लैमडा एम पे हमारा इफेक्ट रहेगा जो भी फैक्टर इन दोनों में से डोमिनेट करेगा लैमडा एम उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो कंडक्टिविटी है ऑब्वियसली डिक्रीजेज इन वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीजेज इतना समझ में आए लेकिन जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो कंपेंसेट कर देता है किसको डिक्रीज़ इन द कंडक्टिविटी को मतलब इसमें जितना डिक्रीज़ होगा उससे ज़्यादा इंक्रीज इसमें होगा ठीक है जितना इसमें इंक्रीज है उससे कम इसमें डिक्रीज है तो ओवरऑल मान लो इनिशियली ये टू थी इनिशियली हमारी कंडक्टिविटी टू थी और वॉल्यूम भी फॉर एग्ज़ाम्पल टू ही था समझने के लिए सिर्फ वॉल्यूम भी टू ही था और कंडक्टिविटी भी टू ही थी तो इनिशियली हमारा क्या था बिफोर डाइल्यूशन लेमडा एम की वैल्यू फोर थी लेकिन जब हमने डाइल्यूट कर दिया सल्यूशन को और डाइल्यूट कर दिया तो क्या हुआ कि इसकी वैल्यू तो होगी डिक्रीज़ फॉर एग्जाम्पल वन इसकी वैल्यू तो डिक्रीज हो गई लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई वॉल्यूम की वैल्यू फाइव हो गई तो ओवरऑल क्या हुआ ओवरऑल तो लेमडा एम इंक्रीज हुआ ना ओवरऑल लेमडा एम इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारी जो वॉल्यूम इंक्रीज है दैट कम्पेंसेट्स द डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी और अगर कंडक्टेंस की बात करें कंडक्टेंस की बात हमने क्या करी थी कि इज विद विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो तो आप एक बात सोचो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उन पर अट्रैक्शन लग रहा होगा आयन्स का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे या आय्स भी अगर मूव कर रहे हैं तो वो दूसरे जो काउंटर आयन्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे हमने जितना डायल्यूशन करते जाएंगे उतना ही आयन्स एक दूसरे से दूर होंगे प्लस माइनस से दूर होते चले जाएंगे तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बीच में काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ए प्लस है ए प्लस आपका अट्रैक्ट कर रहा है बीच

मूवमेंट तो इंक्रीज हो ही जाएगा ना मूवमेंट तो इंक्रीज हो जाएगा थर्मल एनर्जी की वजह से तो ये भी इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लॉ एंड एप्लीकेशन देखो इसके स्टेटमेंट में जाने की हमें नीड नहीं है कॉलराश लॉ बेसिकली होता क्या है आया कहाँ से ये जब हम प्लॉट करते हैं लेमडा एम वर्सेस रूट सी तो बेसिकली जब हम किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रूव करेंगे दैट इज लीनियर प्लॉट करेंगे दैट इज लीनियर और अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे प्लॉट वो इस तरीके का होता है तो अगर हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रापुलेट कर दें तो ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सेस वाई एक्सेस पे कंसनट्रेशन की वैल्यू जीरो ठीक है कंसनट्रेशन की वैल्यू ज़ीरो मतलब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ये जो है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ठीक है इस तरीके का प्लॉट आता है जो हम कंसंट्रेशन के चेंज के साथ हम देखते हैं कि हमारी जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस वो किस तरीके से बदल रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट लीनियरली और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन ऐसा रहता है अब ऐसा क्यों क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब है कि अगर आपके पास टू हंड्रेड हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर एग्जाम्पल के सी एल एन ए सी एल सब तो टू हंड्रेड मालिक्यूल्स में से वन नाइन फाइव आर ऑलवेज डिसोसिएटेड, ठीक है हमेशा डिसोसिएटेड होंगे लेकिन अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर एग्जाम्पल वेरी जनरल एग्जाम्पल एसिटिक एसिड क्रोटनिक एसिड ऑक्जालिक एसिड तो ये जितने भी एसिड्स होते हैं या फिर हमारा एजीसीएल हो गया स्पैरिंगली सोल्यबल सॉल्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो होता क्या है उसमें जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो ऑन मतलब जब डाइल्यूशन करते हैं ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जब हम कंसनट्रेशन कम कर रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली कंसनट्रेशन कम हो रही है कंसनट्रेशन कम होने का मतलब क्या है डायल्यूशन ही तो कर रहे हैं ना कंसेंट्रेशन जब तो कम होगी जब हम डायल्यूशन करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पर सडन इंक्रीज़ होता है तो उस सडन इंक्रीज़ को हम कैसे एक्सट्रापुलेट करेंगे ना अलॉन्ग द वाई बाइक्सेज वो कहाँ टच करेगा हम नहीं बता सकते तो वो वो सडन इंक्रीज़ होता है इस वजह से बेसिकली हो, होता क्यों है ये होता है हमारा क्योंकि उसमें जो हमारा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाता है तो अगर हम इसको एक्स्ट्रापुलेट करें तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो कंसेंट्रेशन या फिर ऑन इन्फानाइट डेल्यूशन इन्फानाइट डाइल्यूशन पे जो स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लेमडा की वैल्यू क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैमडा की वैल्यू ऑन इन्फानाइट डाइल्यूशन यहाँ कहीं लाई करेगी एक्स्ट्रापुलेट करके पता कर लिया पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नहीं बता सकते ठीक है तो इसके लिए कॉलराज ने यह कहा था कि जब हम इंफानाइट डाइल्यूशन कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इंफानाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो होता क्या है उसमें कि जितने भी आयन्स हैं वो एक दूसरे के इर उनकी सेम कंडक्टिविटी रहती है अब हिंदी में समझते हैं इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है एन ए सी एल या एन ए बी आर ठीक है इन दोनों में क्या है कैटाइन सेम है और सी एल और बी आर एन आइन अलग है जब हम इसका इन्फानाइट डायल्यूशन कर देंगे एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस एंड बी आर माइनस तो इन्फानाइट डायल्यूशन करने के बाद जो कंडक्टिविटी एन ए सी एल के सोल्यूशन में एन ए प्लस की होगी जो मोलर कंडक्टेंस जो है एन ए सी एल की होगी एन ए सी एन ए प्लस की एनए सी एल सोल्यूशन में वो किसके सेम होगी एन ए प्लस की एन ए बी आर वाले सोल्यूशन में मतलब सेम कैटायन है तो कोई भी सोल्यूशन हो अपॉन इन्फानाइट डल्यूशन इ रिस्पेक्टिव ऑफ द एन आयन उनकी लेमडा एम की वैल्यू वही रहेगी ठीक है अगर हम के सी एल की बात करें अगर हम के सी एल की बात करें तो इसमें क्या है के प्लस सी एल माइनस तो इसमें जो सी एल माइनस की लैमडा एम की वैल्यू होगी और जो इसमें सी एल माइनस की लेमडाइम की वैल्यू होगी दैट विल बी सेम अपॉन इन्फानाइट डेल्यूशन तो इसको हम बेसिकली इस ही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि अगर हमें एस्टिक एसिड की जनरल एग्जाम्पल सब पढ़ा हुआ है एस्टिक एसिड की कैलकुलेट करनी होती है तो क्या करते हैं सोडियम एसिडेट लेते हैं स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड वहाँ से पूरा प्लस माइनस करके कर देखेंगे अभी कैसे प्लस माइनस करके हम पूरी किसकी निकालते हैं कंडक्टिविटी जो हमारा एस्टिक एसिड है उसकी एट इनफाइनाइट डल्यूशन ठीक है तो यहाँ से हम एक्स्ट्रापुलेट करके स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं पर वीक की नहीं निकाल सकते तो वीक की हम निकालते हैं कॉलराश लॉ को अप्लाई करके इस क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे करते हैं मतलब जैसे एक तो हमारा हाँ अच्छा एक चीज रह गई इसमें ये तो हमने देख लिया कि हमारा कॉलराश लॉ का स्टेटमेंट क्या है ना रफली अब कॉलराश लॉ के साथ एक जो यूजली हम यूज करते हैं दैट इज ऑसवल डल्यूशन लॉ ऑस्टो ऑस्ट्रोल लॉ का हम यूज़ कहाँ करते हैं जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता लगाने के लिए इन सब को कम्बाइन करके एक क्वेश्चन करेंगे वहाँ से क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कैलकुलेट क्या करेंगे जो हम ऑस्ट्रोल डाइल्यूशन लॉ देखते हैं कोई भी हमारा वीक एसिड है एच ए उसको डिसोसिएट किया एच प्लस प्लस ए माइनस इनिशियली कंसेंट्रेशन इसकी सी है इन दोनों की जीरो सॉरी <coughs> अगर इसकी कंसनट्रेशन सी है इन दोनों की इनिशियली जीरो है आफ्टर टाइम टी अगर मैं मान लूँ कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आफ्टर सम टाइम टी इनकी कंसन्ट्रेशन सी अल्फा और इसकी कंसनट्रेशन सी माइनस सी अल्फ़ा जितना ये यहाँ से डिक्रीज होगा उतना ही तो ये दोनों फॉर्म होंगे इसका वन मोल अगर फिनिश होगा तो इन दोनों के वन वन मोल फॉर्म होंगे तो अगर इसका सी अल्फ़ा फिनिश हुआ है मतलब आगे की फॉरवर्ड की टाइप डायरेक्शन में गया है तो जो हमारा सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा एच प्लस और ए माइनस फॉर्म होगा इसके लिए अगर हम इक्केलेब्रेम कॉन्स्टेंट लिखें दिस विल बी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एच ए इतना हमें पता है सी अल्फ़ा इन टू सी अल्फ़ा अपॉन सी वन माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया इसको कैसे लिखोगे वन माइनस अल्फा सी कॉमन लेके ठीक है ये हो जाएगा आपका एक सी से एक सी कैंसिल दिस इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा किसके इक्वल है के के This is Auschwals, Auschwals dilution. इसको याद रखना है आपको एकदम अच्छे से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इज दिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ द एसिड एच एक्म कॉन्स्टेंट है बेसिकली इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट है के उसी के डेफिनेशन से तो लिखा है हमने ये वाला तो के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है किसी पर्टिकुलर एसिड एच ए का यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा को कब इग्नोर करते हैं अगर हमें सिर्फ के इज़ टू सी अल्फ़ा स्क्वायर हमने कई जगह लिखा देखा है वो कब आता है जब हमारा अल्फा इज़ मच मच लेस देन वन और ये कंडीशन हम यूजुअली कब फॉलो करेंगे जब अल्फा की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट जीरो वन या उससे कम होगी ठीक है जीरो पॉइंट जीरो वन या उससे कम होगी तो हम अल्फ़ा की वैल्यू इग्नोर करके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो तो ये सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन पार्ट हो गया कि कॉलराश लॉ से आप कैसे निकालोगे ठीक है कॉलराश लॉ और उसके एप्लीकेशन में ये आता है अब एक क्वेश्चन करेंगे तब हमें एक्जैक्टली क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनेट डल्यूशन ऑफ एच सी एल एन ए सी एल एंड एन ए जेड सोडियम क्रोटोनेट आर दिस ठीक है अब देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है यूनिट पे आप ध्यान रखो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लेमडा एम की यूनिट्स हैं रिस्पेक्टिवली स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ पॉइंट जीरो जीरो सोल्यूशन ऑफ क्रोटोनिक एसिड इज दिस किसी एक बात हो रही है हमारी इंफानाइट डल्यूशन पे और एक बात हो रही है हमारी किसी एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे किसके क्रोटोनिक एसिड का एक सोल्यूशन है हमारे पास कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्सटेंट ऑफ क्रोटोनिक एसिड ठीक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा एंड डिसोसिएशन कॉन्सटेंट ऑफ क्रोटोनिक एसिड तो हम कैसे निकालेंगे ये मेन चीज हमें यहां देखनी है अगर प्रोटोनिक एसिड को हम डिनोट कर रहे हैं hz से और हमारे पास hcl है nacl है एंड nz है ठीक है थीके? ये तीन ये चार चीजें हमारे पास हमें इसमें से क्या कैलकुलेट करना है सोडियम आ,

यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास लेमडा नॉट एच प्लस एंड लेमडा नॉट सी एल माइनस ठीक है एच सी एल कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होगा यहाँ से आएगा लैमडा नॉट एच प्लस और सी एल माइनस सी एल माइनस तो हमें यहाँ चाहिए नहीं मतलब हमें सी एल माइनस यहाँ से निकालना पड़ेगा माइनस करा हमने लेमडा नॉट एन ए सी एल ओके okay. यहाँ से लैमडा नॉट सी एल आया यहाँ से लेमडा नॉट सी एल आया दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया हमारे पास क्या बच्चा लैमडा नॉट ऑफ एच एंड माइनस ऑफ लेमडा नॉट ऑफ एन ए हमें चाहिए क्या यहाँ पे जेड एच एंड जेड एच हम ले आए हैं एन ए हमारे पास यहाँ अब एक्स्ट्रा माइनस में जा रहा है उसको प्लस कर दो लेमडा ऑफ एन ए जेड अगर आप सिर्फ आयंस देखो तो सी एल से सी एल कैंसिल एन ए से एन ए कैंसिल लास्ट में क्या बचा आपके पास एच एंड जेड और आपको इसी का निकालना था ठीक है इन सब की लैमडा नॉट की वैल्यू आपको गिवन है ठीक है लेमडा नॉट की वैल्यू आपको गिवन है एच सी एल की है फोर ट्वेंटी फाइव इंटू टेन एस टू दावर माइनस फोर माइनस एन एस सी एल की है वन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर प्लस एनएस जेड की वैल्यू है एटी इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर एटी इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा थ्री एट्टी इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर देखो फोर ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड प्लस एट्टी थ्री एट्टी इंटू टेन रेज टू दावर माइनस फोर यूनिट्स क्या है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपने कुछ भी नहीं कराया सिर्फ सिंपल प्लस माइनस कराया सिंपल प्लस माइनस से यूनिट्स कभी चेंज नहीं होती और एक बात सिंपल प्लस माइनस आप सिर्फ कब कर सकते हैं जब यूनिट्स सिमिलर हो मल्टीप्लाई आप कैसे भी यूनिट्स में कर सकते बट आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है तो यूनिट्स शुड बी सेम साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आ गई आपकी लेमडा एम नॉट की वैल्यू आपसे कैलकुलेट क्या करवाया है डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं शायद पीछे नहीं डिस्कस किया हमने आप कर लेते हैं अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट अभी लेमडा एम सी क्या है लेमडा एम सी इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसनट्रेशन सी कोई भी कंसेंट्रेशन आपको सी गिवन है उस पर मोलर कंडक्टेंस क्या है दैट इज लेमडा एम सी एंड लेमडा एम नॉट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डल्यूशन ठीक है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डल्यूशन तो आप यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी गिवन है आपको थ्री ये तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है थ्री पॉइंट एट इंटू पावर माइनस साइमन मीटर इनवर्स ठीक है ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टर्स गिवन है अब भी अगर मैं इसको यहां पे रख देती तो हो जाता गलत क्योंकि यूनिट्स होनी चाहिए सेम ये जो अल्फा होता है दैट इज यूनिटलेस अल्फा इज यूनिटलेस आपको दे रखा है यहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस साइमन मीटर साइमन मीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है कापा की इट इज गिवन एस थ्री पॉइंट एट टू द पावर माइनस थ्री साइमन मीटर इनवर्स आपको क्या कैलकुलेट करना है लेमडा एम क्या था लेमडा एम कापा बाई सी 3.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री साइमन मीटर इनवर्स अपॉन कंसेंट्रेशन क्या गिवन है 0.001 पॉइंट 0.001 जीरो मोलर में आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है ठीक है अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मोलर में कंसेंट्रेशन गिवन हो हमें तो उसको कैसे चेंज करेंगे उसको कन्वर्ट करो मोल पर मीटर क्यूब में जब आप इसको मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे ये क्या है मोल पर लीटर है ना ये है मोल पर लीटर इसको कन्वर्ट करो मोल पर मीटर क्यूब में और जब इसको आप किस से कन्वर्ट करोगे वन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू थाउजेंड लीटर वन लीटर इज इक्वल्स टू टेन इज द पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब है ना इसको आप सॉल्व करो 3.8 पॉइंट एट इंटू टेन माइनस थ्री साइमन मीटर इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर 0.001 मोल पर लीटर क्यूब पर लीटर ऊपर गया लीटर मीटर क्यूब उसको बनाओ पर लीटर था ना तो लीटर ऊपर लिख दिया अब उसको मीटर क्यूब में लिख दो इंटू टेन इस पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब तो इसको सॉल्व करोगे ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका थर्टी एट इंटू टेन इज द पावर थर्टी एट इंटू टेन इज पावर माइनस फोर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है थर्टी एट इंटू टेन इज पावर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स आप इसको सॉल्व करोगे तभी आएगा आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू थर्टी एट इंटू टेन इज पावर माइनस फोर मतलब किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे निकाला है ये तो ये ऊपर रहेगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन इन्फानाइट ड निकाला था हमने ये ये लेम एम नॉट था थ्री एट्टी इंटू टेन ए सी दी पाओ माइनस फोर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट वन अब अगर आपकी ये वैल्यू अल्फ़ा लेस देन वन आई है इट इज़ ओके ऑल राइट अगर आपकी गलती से भी वैल्यू वन टू 1.2 इस टाइप से कुछ जाती वो गलत है क्योंकि इस वीक एसिड्स के लिए हमेशा डिसोसिएशन कम ही होता है ना तो अल्फ़ा की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन वन अल्फा विल ऑलवेज बी यूनिटलेस ठीक है लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट पीछे मेंशन नहीं किया था अभी आप मेंशन कर लें लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट लास्ट आपसे क्या कैलकुलेट करवाया है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट करो कैलकुलेट के इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा अल्फा की वैल्यू हमारे पास है दिस टाइम वी कैन नॉट इग्नोर ठीक है जीरो पॉइंट वन है अगर जीरो पॉइंट जीरो वन से कम होती तब हम इग्नोर करते अब आप यहाँ पे लिखो अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू लिखी जाएगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मोलर यहाँ पे आप मोल पर मीटर क्यूब में नहीं लिखेंगे यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू जाएगी मोलर वाली जो वैल्यू है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इंटू अल्फ़ा स्क्वायर जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर अपॉन वन माइनस जीरो पॉइंट वन ठीक है ये होगी आपकी के की वैल्यू यहां पे हमने इग्नोर नहीं किया है अल्फा को क्यों क्योंकि यहां पे अल्फा की वैल्यू पॉइंट वन, वन है वन नहीं है ठीक है ना तो इसका आंसर आएगा टू पावर माइनस फाइव और इसकी यूनिट्स क्या है मोल पर लीटर तो मोल पर लीटर या फिर एक चीज और वन लीटर इज इक्वल्स टू वन डेसीमीटर क्यूब तो आप इसको और क्या लिख सकते हो वन पॉइंट वन पॉइंट वन वन इंटू टेन रिज टू दावर माइनस फाइव मोल पर डेसीमीटर क्यूब ठीक है मोल पर डेसीमीटर क्यूब नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर आइनिक कंडक्टिविटी तो बेसिकली जो हमारी आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती है जो भी हमारा कोई भी सोल्यूशन प्रेजेंट है सोल्यूशन है ठीक है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आइन्स तो उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसको हम टर्म करते हैं एज आयनिक कंडक्टिविटी तो आयनिक कंडक्टिविटी क्या है किस चीज़ पे डिपेंड करेगी हमें वो देखना है आयनिक कंडक्टिविटी समझ आए आयनिक कंडक्टिविटी है कि हमारी कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन तो अगर हम आयनिक कंडक्टिविटी की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे सबसे पहला फैक्टर आता है दैट इज साइज ऑफ द आयंस ठीक है साइज ऑफ द आयंस अगर हम दो कोई भी कैटाइन ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल लीथियम प्लस एन ए प्लस तो साइज़ किसका बड़ा है एन ए प्लस का ठीक है एन ए प्लस का साइज़ लीथियम प्लस से बड़ा है ये हमें पता है लेकिन ओ, हाँ एन ए प्लस का साइज जो है लीथियम प्लस से बड़ा है तो हमारे अकॉर्डिंग जिसका साइज जितना बड़ा होता है उसको मूव करने में उतना ही प्रॉब्लम होगा ठीक है अंडर द फील्ड उसको मूव करने में उतना ही प्रॉब्लम होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो कंडक्टिविटी है वो लीथियम प्लस की ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है लीथियम प्लस की ज़्यादा होनी चाहिए और एन ए प्लस की कम होनी चाहिए बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक हमने पढ़ा है हाइड्रेशन हाइड्रेशन कोई भी हम आयन प्रेजेंट है तो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही तो प्रेजेंट होगा ना अगर इन्हीं की बात कर लें तो ये वाटर में प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल तो क्या होता है वो हमारा हाइड्रेट हो जाता है क्या होता है कि जो हमारा कोई भी आयन है उसको सराउंड कर लेते हैं नॉट एन आयन्स उसको सराउंड कौन करते हैं उस आयन को जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं किसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसको ऐसे सराउंड कर लेते हैं तो जितना छोटा साइज़ होता है उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होता है मतलब कि अगर हम लिथियम की बात करें लिथियम का साइज़ तो छोटा है पर उसकी हाइड्रेशन स्पेयर हाइड्रेशन रेडियाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि साइज़ छोटा होने की वजह से उसका हाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है ऑन द अदर हैंड अगर हम एन की बात करें तो उसकी हाइड्रेशन रेडियाई तो बहुत कम होती है क्योंकि साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन तो हाइड्रेशन रेडियाई भी उसी तरीके से वैरी करेगी जितना ज़्यादा हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन रेडियाई ठीक है और जितना कम हाइड्रेशन उतनी ही कम हाइड्रेटेड रेडियाई तो अगर हम लिथियम प्लस की बात करें तो उसकी ज़्यादा होती है हाइड्रेटेड रेडियाई एज कम्पेयर टू एन ए प्लस तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कि लिथियम प्लस का साइज़ अब ज़्यादा बड़ा हो गया अगर हम हाइड्रेटेड स्फेयर की बात करें आफ्टर हाइड्रेशन जो साइज है वो लिथियम प्लस का बड़ा हो जाएगा देन एन प्लस ठीक है लिथियम प्लस का साइज विल बी ग्रेटर देन प्लस इस वजह से क्या होगा लिथियम प्लस की कंडक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू एनए प्लस ठीक है ये आपका सारे आयंस पे लगेगा एन जितने भी एनआई हैं जितने भी कैटाइन हैं उन सब पे लगेगा अगर हम सोचें एनए प्लस और अगर हम कंपेयर करें एन प्लस एंड एच प्लस ठीक है एन ए प्लस और एच प्लस को कंपेयर करें तो इस कंसेप्ट को लगा के हम ये कंक्लूड कर देंगे क्योंकि एन ए प्लस का साइज़ एच प्लस से बड़ा है एच प्लस ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा इस वजह से क्या होगा कि एच प्लस की हाइड्रेशन रेडियाई ज़्यादा होगी और उसकी आयनिक कंडक्टिविटी कम होगी लेकिन ऑन द कॉन्ट्रैरी अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटली तो एच प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है आपकी नॉर्मल आयन से भी ज़्यादा होती है ठीक है तो ऐसा किस लिए होता है इसको एक्सप्लेन किया था ग्रोथस लॉ ने ग्रोथस कंडक्टेंस नॉट ग्रोथस ग्रोथस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा आयन है सॉल्वेंट का आयन H प्लस की कंडक्टिविटी किसमें एच टू में, H2O में. एच टू ओ क्या है सॉल्वेंट और एच प्लस क्या है सॉल्वेंट का आयन सिमिलरली ओ एच माइनस क्या है सॉल्वेंट यानी कि एच टू ओ का आयन तो ग्रोथस कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसके आयन्स उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक्सेप्शनल कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जंप अगर हम एच प्लस की उसमें बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन जंप अब ये जंप कैसे होती है बेसिकली देखो अगर कोई भी आयन है हमारा इन जनरल कोई भी आयन है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्वेंट के आयन के अलावा कोई भी आयन है तो उसको क्या करना है बेसिकली एक तो अपनी पूरी हाइड्रेशन हाइड्रेटेड स्वेयर जो है उसको लेके मूव करना है एंड अलॉन्ग विद दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए चलना है अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या करना है बेसिकली ये हमारा है इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये ठीक है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो गए इसमें हमारा जो आयन है उसको मूव करना है आयन कैसे मूव करेगा आयन अपनी जगह बनाएगा यहाँ से जाएगा फिर इधर से जाएगा मतलब उसको अपनी जगह बना के एक पाथ फॉलो करके वो मूव कर पाएगा ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सॉल्वेंट के ही आयन्स की अगर हम सॉल्वेंट के ही आयन्स की बात करें जैसे एच टू ओ है ठीक है एच टू ओ है इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से ये हमें पता है ऐसे ये चलता जाता है तो अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं कंडक इसके ही आयन की एच प्लस की बात कर रहे हैं तो एच प्लस बेसिकली इससे इस पर जम्प कर जाएगा इससे इस पर जम्प कर जाएगा और इससे फर्दर आगे दूसरे पे जम्प कर जाएगा तो H प्लस को बजाय पाथ बनाने के ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं H प्लस को खुद पाथ नहीं बनाना है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं H प्लस को फॉर कंडक्टेंस ये H प्लस के लिए वैलिड है सिमिलरली ओ एच माइनस के लिए वैलिड है किस में वॉटर में जहाँ पे सॉल्वेंट आयंस हैं अगर हम बात करें एन एच टू की एन एच टू माइनस ठीक है एन एच टू माइनस किसका आयन है अगर हम सॉल्वेंट की बात करें जब हम सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो एन एच थ्री लिक्विड अमोनिया में एन एच टू प्लस एन एच टू माइनस प्रेजेंट होता है ना तो अगर उसमें बात करें तो इसकी एक्सेप्शनल कंडक्टिविटी होगी इसकी नहीं होगी तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं किसी भी आयन की तो उस पर्टिकुलर आयन की कंडक्टिविटी एक्सेप्शनल कब होगी जब वो खुद में होगा मतलब उसके ही सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट के आयनस हैं उसकी कंडक्टिविटी हमेशा एक्सेप्शनल होती है तो H प्लस को क्या बोला गया प्रोटॉन जंप इसको ग्रोथस कंडक्टेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं ठीक है दो फैक्टर्स बचे टेम्परेचर एंड प्रेशर तो जो प्रेशर है प्रेशर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस बढ़ता है जो हमारे रजिस्टेंस जो हमारे आयन्स हैं उनके बीच में बेसिकली जो फ्लो है वो आ, हिंडर होता है टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ करने पे, क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो गई है इस वजह से प्रेशर इंक्रीज़ करने पे आयनिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है ठीक है प्रेशर इंक्रीज़ करने पे जो आयनिक कंडक्टिविटी है इसको किसी से भी डिनोट कर दो कंडक्टिविटी को आई से डिनोट कर दिया फॉर एग्जाम्पल इसे छोड़ <coughs> सी से कर देते हैं जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आयनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि मूवमेंट कंडक्टिविटी क्या है बेसिकली किसकी वजह से है मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी मूवमेंट्स की वजह से तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो मूवमेंट है वो और विग्रस हो जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करती है ठीक है ओके कंडक्टोमीट्रिक टाइटेशन ये ग्राफ जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसको बनाना ईजी है बट पेपर में कहाँ घुमाते हैं जब वो एक्सेस चेंज कर देते हैं जब वो जब हम हम जो नॉर्मली ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज बिटवीन यहां होता है कंडक्टेंस यहां होती है कंडक्टेंस और यहाँ क्या होती है वॉल्यूम ऑफ एसिड या बेस जो भी हमने ब्यूरेट में लिया हुआ है ब्यूरेट में क्या लिया हुआ है यहाँ पे ये मतलब अगर हमने लिखा है दिस वर्सेस दिस तो हम इसका कॉन्स्टेंट एडिशन कर रहे हैं ठीक है अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका कांस्टेंट एडिशन कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ बेस हम वॉल्यूम बेस का इंक्रीज करते जा रहे हैं किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड में फॉर एग्जाम्पल एच सी एल एन यू एच एच सी एल है हमारा स्ट्रांग एसिड एन यू एच एज स्ट्रांग बेस एच सी एल को हमने फ्लास्क में लिया है वर्स इज स्ट्रांग बेस मतलब हम उसमें कंटिन्यूसली एन यू एच एड कर रहे हैं ठीक है एन यू एच एड हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ बेस ही इंक्रीज होगा ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ एसिड तो कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हम लेते हैं कंडक्टेंस यहाँ पर लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ अ बेस अब देखो अब समझने का ट्राई करना आपने एच सी एल लिया हुआ है ठीक है एच सी एल लेने के बाद आपने डाल दिया उसमें एन यू एच नॉर्मल सी रिएक्शन है हमें पता है एच सी एल एन एच ये फॉर्म करेगा एन H2, सी एल प्लस एच टू ठीक है एनई सी एल प्लस एच टू ओ लेकिन ये जो एच टू ओ होता है दैट इज अनआयोनाइज्ड मोस्टली ये अन आयोनाइज रहता है ये एच टू यानी कि यहाँ से जो एच प्लस और ओ एच माइनस अगर हम अज्यूम करके चलें कि आ रहे हैं वो नहीं आते ये मोस्टली अन आयोनाइज रहता है ठीक है एच सी एल एंड एन ओ एच तो हुआ क्या यहाँ पे कंडक्टिविटी किसकी वजह से थी एच प्लस की वजह से सी एल माइनस की वजह से एन ए प्लस की वजह से और ओ एच माइनस की वजह से ठीक है तो Na प्लस और Cl माइनस तो यहाँ पे भी कंडक्टेंस शो करेंगे क्योंकि NaCl तो मोस्टली डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है तो यहाँ पे भी एन ए प्लस और सी एल माइनस तो होंगे लेकिन जो एच टू है दैट इज अन मतलब एच प्लस और ओ एच माइनस नहीं होंगे और अभी ही हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एच प्लस और ओ एच माइनस की कंडक्टिविटी एक्सेप्शनल होती है ठीक है तो यहाँ पे चार आयंस की वजह से कंडक्टिविटी थी जिसमें से कि दो क्या थे एच प्लस और ओ एच माइनस और यहाँ पे दो आयंस की वजह से कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब जैसे जैसे हमने ऐड करते गए ऐड किया हमने बेस तो कंडक्टिविटी शार्पली डिक्रीज हुई ठीक है अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट उस पॉइंट के बाद जब सारा एच खत्म हो जाएगा जब सारा एच खत्म हो जाएगा सिर्फ सोल्यूशन में अब क्या बचेगा एन जो इनिशियली हमारा बन चुका है एन NAH के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बचेगा अन आयोनाइज एच टू ओ और हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं अब बेस ऐड करे चले जा रहे हैं तो बेस जो है वो हमारा एन ए ओ एच अब ये जो एन ए एच है दैट विल एग्जिस्ट एज एन ए प्लस एंड ओ एच माइनस अगेन वी गॉट ओ एच माइनस इन अवर सोल्यूशन ओ एच माइनस की हमें पता है एक्सेप्शनल क्या होती है कंडक्टिविटी इन वाटर ठीक है सॉल्वेंट आयन है इस वजह से तो जो ओ एच माइनस है इसकी एक्सेप्शनल कंडक्टिविटी होने की वजह से एक शार्प इंक्रीज आएगा शार्प इंक्रीज़ कब आएगा जब हमारा एन ए सी एल जो एन एच सी एल एच सी एल को टाइट्रेट कर रहे हैं एन के साथ जैसे ही एच सी एल फिनिश हुआ एच सी एल के लास्ट मॉलिक्यूल ने एन के साथ रिएक्ट करके एन सी एल बना दिया अब फर्दर एडिशन ऑफ एन यू एच सिर्फ और सिर्फ ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है सोल्यूशन में और ओ एच माइनस का कहीं कंजम्पन नहीं हो रहा है क्योंकि एच सी एल ओ एच प्लस ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं इस वजह से जो अब कंडक्टेंस है वो शार्पली इंक्रीज करेगी इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑल ऑफ द एन ए सी एल सॉरी एच सी एल हैज़ बीन कंज्यूम्ड ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी हमारे पास क्या प्रेजेंट था एच सी एल वो सारा कंज्यूम हो गया और ये जो वॉल्यूम होगा ये होगा हमारा ये पॉइंट होगा इक्विवेलेंट पॉइंट ठीक है इक्विवेलेंट पॉइंट और ये वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन कि हमें बेस का कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ा न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझो कि जैसे हमारे पास मान लो पॉइंट वन एम एच सी एल है पॉइंट वन एम एच सी एल कितना है फॉर एग्जाम्पल टेन एम एल है पॉइंट वन एम एच सी एल टेन एम एल है तो हमें इसमें पॉइंट वन एम एन एच टेन एम ही एड करना पड़ेगा कि पूरा एच सी न्यूट्रलाइज हो जाए क्योंकि ये एक एक क्यू है ठीक है एक ओ एच माइनस एक एच प्लस तो जितना एच सी एल उतना एन एच हमें चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए तो बेसिकली जो हम हमें क्या निकालना होता है जब मोलैरिटी निकालनी होती है ना तब हम ये सब करते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो गया ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम आ गया इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस है जो वॉल्यूम है बेस का हमें पता होता है तो बेस का वॉल्यूम पता है हमें बेस का हमें स्ट्रेंथ पता है जो हमारी मोलर molar, मुलेरिटी है वो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं कि हमारी एच की मोलैरिटी क्या थी एच की कंसनट्रेशन क्या थी ठीक है अब आओ वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस मतलब आपने क्या कर रखा है यहाँ तो हमारी वही कंडक्टेंस प्लॉट होगी जी कापा जो भी आप प्लॉट करो यहाँ पे जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली बेस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस अब एक बात नॉर्मल किसी भी एसिड का एग्जाम्पल ले लो जो हमारा है सी एस थ्री सी ओ एच का ले लेते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है सी एस थ्री सी ओ एच पार्शियली आईनाइज है सी एस थ्री सी ओ एच इज पार्शियली आईनाइज सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस पार्शियली आईनाइज इसकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी वो कम ही होगी एच के कंपैरिजन में तो बहुत कम होगी क्योंकि एच में क्या है अगर 100 में से 95 फाइव मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हैं तो सी एस टी सी में 100 में से 95 फाइव अनआयोनाइज है ठीक है तो H+ की अमाउंट तो ऑलरेडी यहाँ से हो गई कम अब हम क्या कर रहे हैं उसमें बेस ऐड कर रहे हैं तो हमने ली चैट लिया प्रिंसिपल बढ़ा है बेसिकली बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एन ऐड किया ठीक है उसके बाद क्या हुआ सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस एच टू ओ एच प्लस कंज्यूम हो गया यहाँ से और सी एस थ्री सी ओ माइनस ने एन ए प्लस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिडेट सॉल्ट बना लिया ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा और ये अन होता है हमेशा ये वाला जो हमारा वाटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो रहता है अन आइनाइज यहाँ से एच प्लस भी कंज्यूम हो गया और एसिटेट आयन भी कंज्यूम हो गया तो हमारे ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्दर डिसोसिएशन होगा ठीक है रिएक्शन हमारी किस साइड जाएगी आगे की साइड जाएगी और एच प्लस बनेगा और ओ एच माइनस से कंज्यूम होके एच टू ओ बनाएगा तो होता क्या है इसका ग्राफ जाता है अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले स्लाइड डिक्रीज देन दिस देन सडन इंक्रीज अब ये स्लाइड डिक्रीज किस वजह से है देखो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो समझ में आ रहा है ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखो यहाँ पे स्लाइड डिक्रीज क्या है इनिशियली कोई वॉल्यूम नहीं था ठीक है पर, बेस का तो हमने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है हमारे पास ठीक है एक पर्टिकुलर कंडक्टेंस की वैल्यू है जैसे ही हमने एन्यू एच एड करना शुरू किया तो हुआ क्या बेसिकली एच प्लस कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पे जो कंडक्टेंस थी वो एच प्लस की वजह से थी ठीक है यहाँ पे जो कंडक्टेंस थी वो H प्लस की वजह से थी हमने NaOH डाला और H2 टू बना के एच प्लस तो ख़त्म ही कर दिया सोल्यूशन में से जब हमने सोल्यूशन में से H प्लस ख़त्म कर दिया तो ऑब्वियसली अब भी हम ये पढ़ के आए हैं अब भी है, ग्रोथस कंडक्टेंस में कि H प्लस की वजह से क्या होती है बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है तो वो डिक्रीज होगी अच्छा अब डिक्रीज़ क्यों होगी ये भी तो बन रहा है अगर हम इसको डिसोसिएट करके लिखें सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एन ए प्लस ये भी तो बन रहा है इसकी वजह से भी तो कंडक्टिविटी होगी बिल्कुल होगी इसकी वजह से भी कंडक्टिविटी होगी लेकिन एक पॉइंट तक ये इसकी कंडक्टिविटी को मैच नहीं कर सकता क्योंकि H प्लस की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है अब आप ये देखो इसका साइज कितना छोटा है ये कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा इसकी आयनिक कंडक्टिविटी H प्लस के कंपैरिजन में तो बहुत ही बड़ा है और H प्लस प्रोटोन जम भी शो करता है तो इसकी कंडक्टिविटी तो बहुत कम हो गई इसका साइज़ बड़ा है भले ही इसका हाइड्रेटेड स्फेयर छोटा होगा पर इसका खुद का साइज़ बड़ा है तो इसकी भी आयनिक कंडक्टिविटी कम होगी। तो जो इनिशियल में डिक्रीज़ आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि हमारा H+ प्लस कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे जो H+ प्लस की वजह से कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ हो रही है यहाँ के बाद ही हल्का सा इंक्रीज़ हो रहा है क्यों क्योंकि अब यहाँ पे इंक्रीज़ होना इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ से एस प्लस कंज्यूम हो गया ठीक है एक पॉइंट तक जाके कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई पर एक ऐसा भी तो पॉइंट आएगा ना जहाँ पे जो सी एस ट्री सी ओ माइनस और एन ए प्लस इसकी कंडक्टिविटी इससे ज़्यादा हो जाएगी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा ठीक है स्लाइट इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे ऐड होता गया रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रही एन ओ एच के साथ रिएक्शन होता रहा सी एस ट्री सी ओ एन ए बनता रहा ओके इसकी कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज होगी अब क्या होगा इस पॉइंट पर आके ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आके कंडक्टिविटी एकदम जो कंडक्टेंस है वो एकदम स्लाइट रैपिड इंक्रीज करेगी कंडक्टेंस नॉट कंडक्टिविटी अगर मैंने कंडक्टिविटी बोला वहाँ पर कंडक्टेंस ध्यान रखना इसकी जो कंडक्टेंस है स्लाइट इंक्रीज़ करेगी ऐसा क्यों क्योंकि एक पॉइंट पे जाने के बाद जब ये सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक पॉइंट पे जाने के बाद जब ये सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी कि सारा H प्लस कंज्यूम हो गया सब ये बन गया अब इसके बाद जब हम फर्दर एन का एडिशन करेंगे इसी में इसके इसी के बाद हमने फर्दर एन का एडिशन करा तो ये आयन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वेल एंड गुड अब कौन से आयन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस अगेन सीन में कौन आ गया ओ एच माइनस ओ एच माइनस की अगेन बहुत ज्यादा होती है हमारी कंडक्टिविटी जो आयनिक कंडक्टिविटी तो ओवरऑल कंडक्टेंस जो है वो सडन इंक्रीज करेगी इस तरीके से यहाँ पे ठीक है ये इंक्रीज डिक्रीज समझ में आया क्यों हुआ कॉन्स्टेंट रहा फिर सडन इंक्रीज तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज इक्वेलेंट पॉइंट ठीक है इसमें ये वाला पॉइंट इक्वेलेंट पॉइंट है सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बिल्कुल सेम पे जाके, वहाँ पे यहाँ पे H प्लस कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे OH एच माइनस कंज्यूम होगा ठीक है H प्लस कंज्यूम हो रहा था वीक बेस है तो OH एच माइनस कंज्यूम होगा और ऑन द सिमिलर ग्राउंड इसका ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा ठीक है आप खुद से एक बार ट्राई करना ये ग्राफ आना चाहिए है ना अगर हम बात करें अब स्ट्रोंग एसिड प्लस वीक एसिड की मतलब हमने क्या कर रखा है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें स्ट्रोंग एसिड भी है वीक एसिड भी है कौन कौन से एच मान लो और एस्टिक एसिड मान लो ठीक है जो हमारे कॉमन से एग्जाम्पल है वही लेके चले अगर हम तो हमें पता है कॉमन आयन इफेक्ट एच हमें पता है हमेशा कम्प्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा एच ने तो रहना है कम्प्लीटली डिसोसिएटेड ये एग्जिस्ट करेगा एच प्लस एन सी माइनस की फॉर्म में और ये कैसे एग्जिट एग्जिस्ट करेगा सी एस थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस तो जिस तरीके से यहाँ पे आ, ली चैट लिए प्रिंसिपल लग रहा था कि एच प्लस कंज्यूम हो रहा था तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रही थी हम क्या कर रहे हैं इस केस में हमने एच प्लस और डाल दिया तो अगर इसमें आप एच प्लस और डाल दोगे तो रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगी ना इसका डिसोसिएशन और सप्रेस होगा हमने क्या करा यहाँ पे एच प्लस सी एल माइनस एच प्लस ऑलरेडी था तो इसमें इसका जो सप्रेश इसका जो H+ प्लस है इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो सब हमने अगर बेस ऐड करना शुरू किया है तो पहले न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा एच का क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली आयोनाइज ठीक है वो कम्प्लीटली आयोनाइज है उसका पहले न्यूट्रलाइजेशन होगा उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका न्यूट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होगा ठीक है एक सडन डिक्रीज इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सडन डिक्रीज किस वजह से देखो यहाँ पे जैसे किया था हमने बिल्कुल सिमिलर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस तो इनिशियली क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस तो सडन डिक्रीज़ ये सब एक्सेस पे यहाँ पे कंडक्टेंस है यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम किसका जो वर्सेज के बाद लिखा है ठीक है फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है वीक एसिड ये वाला जो वॉल्यूम आएगा ना यहाँ पे वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है अब ये वाला जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कर कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रोंग एसिड दोनों के करस्पॉन्डिंग है ये वाला स्ट्रोंग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन ठीक है स्ट्रांग प्लस वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन अगर आपको सिर्फ वीक का चाहिए तो स्ट्रॉग प्लस वीक में से माइनस कर दो मतलब ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू आपकी करस्पॉन्ड करेगी वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए ठीक है एक चीज और अगर आपसे पूछा जाए अभी तो हमने किस क्या ड्रॉ किया था लेमडा जी वर्सेस वॉल्यूम अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम वर्सेस जी तो आप कैसे करोगे ठीक है वॉल्यूम वर्सेस जी मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये एग्जाम्पल लिया हमने ऐसा आया था उसका ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम वर्सेस जी ये है जी वर्सेस वॉल्यूम हमें बनाना है वॉल्यूम वर्सेस जी एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे कि आपसे वॉल्यूम वर्सेस जी पूछा गया या फिर जी वर्सेस वॉल्यूम कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम आप क्या करोगे सबसे पहले इसकी एक मिरर इमेज बनाओगे इस तरीके से ठीक है आपने इसकी मिरर इमेज बनाई बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट यहां से कर दिया ये जी है ये क्या है वॉल्यूम ठीक है ये जी है ये वॉल्यूम है इसके बाद आपने क्या करना है इसको पकड़ के रोटेट कर देना है कैसे इस तरीके से अब ये क्या हो गया वॉल्यूम वर्सेस जी हो गया ना वॉल्यूम वर्सेस जी तो क्या करना है आपको अगर कोई आपसे एक्सेस चेंज करवाए और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है इन जनरल कोई भी आपका कोई भी ग्राफ है इन जनरल एनी ग्राफ उसके लिए आप कैसे करोगे सबसे पहले एक मिरर इमेज फॉर्म करो उसके सामने रख के जस्ट और उसके बाद उसको रोटेट कर दो ठीक है आपकी एक्सेस चेंज हो जाएंगी अगर आपका इनिशियली ए वर्सेस बी था तो बाद में वो बी वर्सेस ए हो जाएगा अगर आप ये कर देंगे तो है ना आगे चलते आयनिक स्ट्रेंथ एंड डिबाहेक्कल इक्वेशन अच्छा ये वाला जो टॉपिक है आयनिक स्ट्रेंथ एंड डिबाकल इक्वेशन इससे अभी सॉल्ट इफेक्ट से बेसिकली इक्वेशन आ रहे हैं तो सॉल्ट इफेक्ट आता ही यहीं से है डिबा हेक्कल इक्वेशन से तो पहले एक बार देख लेते हैं कि होती क्या है आयनिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है इसको लिखो अभी फिर देखते हैं इनके टर्म्स का मतलब क्या है समीशन सी आई जेड आई स्क्वायर ठीक है समीशन सी आई जेड आई स्क्वायर दिस इज आयनिक स्ट्रेंथ सी आई चार्ज ऑन आयन चार्ज ऑन आयन एन जेड आई इज न सी आई इज कंसेंट्रेशन नॉट चार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ आयन एन जेड आई इज चार्ज ऑन आयन अब ये होगा कैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एफ थ्री नहीं एफ ई टू एस ओ फोर एफ ई टू एस ओ फोर होल थ्राइस इसको आप डिसोसिएट जब करते हो मतलब आयंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे टू एफ ई थ्री प्लस प्लस थ्री एस ओ फोर टू माइनस ऐसे तो लिखोगे ना जब आप इसको डिसोसिएट करोगे अगर अब मुझसे कहा जाए कि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालो अगर अब हमें इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है मान लेते हैं कि इसकी कंसनट्रेशन एम थी हमारे पास एम मोलल या एम मोलर हमें यह दे रखा था एफ ई टू फोर होल थ्राइस का सोल्यूशन अगर इसकी कंसेंट्रेशन एम है तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी होगी टू एम ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं ना इसकी टू एम हो जाएगी और इसकी थ्री एम हो जाएगी इसकी थ्री एम हो जाएगी अब अगर मैं इसकी आयनिक स्ट्रेंथ लिखना चाहूँ तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ I विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी आई इंटू जेड आई स्क्वायर अगर हम एफ ई थ्री प्लस पे कंसनट्रेट करें तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या है टू एम ठीक है इसकी कंसेंट्रेशन टू एम अगर इसकी एम है तो इसकी टू एम इसका वन मोल पे इसके टू मोल्स जनरेट हो रहे हैं तो इसकी अगर वन है तो इसकी ट्वाइस ऑफ दैट इंटू जेड आई का स्क्वायर जेड इज वॉट प्लस थ्री का स्क्वायर ऐसे याद रखना कि आपको हमेशा इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे सारी टर्म्स जो होंगी वो हमेशा प्लस में आएंगी एग्जाम टाइम पे कन्फ्यूजन होता है कि हमें किसका स्क्वायर करना था कंसनट्रेशन का या फिर चार्ज का तो एक चीज़ याद रखना कि आपको हमेशा चार्ज का स्क्वायर करना है क्योंकि जब भी आप ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपकी कोई भी माइनस की टर्म नहीं आती और माइनस की टर्म किस कंडीशन में नहीं आएगी जब आप नेगेटिव चार्ज का भी स्क्वायर कर दोगे नेगेटिव चार्ज का स्क्वायर करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि आप जब भी ये करो आपको चार्ज का स्क्वायर करना है ठीक है सी आई जेड आई स्क्वायर याद रखो Z इज चार्ज Z को हम यूजुअली चार्ज ही डिनोट करते हैं ना C को कंसन्ट्रेशन डिनोट करते हैं ठीक है थीके? प्लस समीशन है तो प्लस इंटू अगेन कंसनट्रेशन सी आई जेड आई स्क्वायर इसकी कंसनट्रेशन क्या है सी एम और इसका चार्ज क्या है माइनस टू का स्क्वायर ठीक है यही मैं भी बोल रही थी कि अगर आप कभी याद याद रखना है इसको माइनस टू का स्क्वायर हो गया ना ये तो नेगेटिव की कभी कोई टर्म नहीं आएगी इस ब्रैकेट के अंदर थ्री थ्री ज़ा नाइन टू ज़ा एटीन एम टू टू जै फोर माइनस माइनस प्लस हो गया फोर थ्री ट्वेल्व एम दिस इज इक्वल्स टू फिफ्टीन एम ठीक है फिफ्टीन एम आपकी इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या आ गई फिफ्टीन एम अगर अब आपको एम की वैल्यू क्या है मान लो फॉर एक्साम्पल जीरो पॉइंट वन मोरल सोल्यूशन है तो आपकी ये आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट वन एम इन जनरल लेके सॉल्व कर दिया कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है है ना तो इस तरीके से आप निकालते हो आयनिक स्ट्रेंथ ये आपने आयनिक स्ट्रेंथ निकाल ली ओके अब एक सिंपल सा लेके देखते हैं अगर हम एनए की बात करें एनए को क्या लिखते हैं एनए प्लस प्लस सी एल माइनस इसकी अगर आप एम ये अगर एम है इसके वन से ये वन बन, बन रहा है तो इन दोनों की कंसेंट्रेशन भी एम होगी इसकी आने स्ट्रेंथ निकालोगे वन बाई टू एम इंटू प्लस वन का स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस वन का स्क्वायर सी आई जेड आई स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा इक्वल टू एम ठीक है तो इसका मतलब अगर कोई ए बी टाइप है अगर कोई ए बी टाइप है तो उसकी क्या होगी एम अगर कोई ए बी टाइप है तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी एम इसको ऐसे लिखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया उसका कंसेंट्रेशन और ये हो गई स्ट्रेंथ अगर ए बी टाइप है तो कंसेंट्रेशन अगर एम गिवन है तो आयनिक स्ट्रेंथ विल बी एम ओके okay, अगर ए बी टाइप है कंसनट्रेशन एम गिवन है तो आयनिक स्ट्रेंथ विल बी एम अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ए बी टू कंसनट्रेशन अगेन एम तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी थ्री एम मतलब ये एकदम आप डायरेक्ट कर सकते हो ये पूरी कैलकुलेशन करके भी थ्री एम आएगा आप एक बार करके देखना अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज ऑफ द टाइप ए बी टू उसकी कंसनट्रेशन एम है तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ विल बी थ्री एम ठीक है अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ए बी टाइप का तो है बट ए बी टाइप का तो है बट टू पॉजिटिव चार्ज है टू पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज ए बी टाइप का तो है बट उस पर जो चार्ज है ए टू पॉजिटिव एंड बी टू नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट ठीक है बेरियम सल्फेट या फिर एफ ई एसओ फोर एफ ई टू प्लस एसओ फोर टू माइनस ठीक है तो इसमें अगर आपकी कंसेंट्रेशन एम है आयनिक स्ट्रेंथ विल बी फोर एम तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो और डराइव कर लो जितने चाहो उतने डराइव कर सकते हो ये दो तीन है ठीक है अब डिबाई हक्कल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है डिबाई हक्कल इक्वेशन कनेक्ट करती है कि इसको जो हमारा मीन आइनिक एक्टिविटी कॉफिशियंट होता है उसको विद द आयनिक स्ट्रेंथ मीन आइनिक एक्टिविटी कॉफिशियंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अब होता क्या है कि अगर हमारा कोई भी कोई भी इन जनरल एम एक्स एन वाई कोई भी सॉल्ट है इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स एम वाई प्लस प्लस वाई एन एक्स माइनस इसी तरीके से डिनोट करते हैं ठीक है तो अगर हम इसकी आयनिक एक्टिविटी अभी एक्टिविटी कॉफिशियंट का आता कहाँ से है कंसेप्ट कि जैसे हम गैसेस में बात करते हैं फिर गैसिटी की तो जितना एक्चुअल में प्रेशर होता है कोई भी आइडियल गैस को आ, जो आइडियल गैस एग्जर्ट करती है प्रेशर उतना प्रेशर तो होता नहीं है उससे कुछ कम होता है क्यों क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो वो लेस देन एक्सपेक्टेड प्रेशर जो है एक्जर्ट करती है उस चीज़ को हम आ, बोलते हैं फिगैसिटी तो बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे यहाँ पे आती है टर्म एक्टिविटी जब हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं वहाँ पे जो हम कंसनट्रेशन एक्चुअल में लेके चलते हैं वो कंसनट्रेशन उस कंसनट्रेशन वाला इफेक्ट हमें नहीं देखने मिलता अगर हम जनरल बोलें उस कंसनट्रेशन वाला इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलता उससे कम रहता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिविटी गैसेज के लिए फिगैसिटी और सोल्यूशन के लिए एक्टिविटी ठीक है थोड़ा सा आपको रिलेट हुआ अब इस चीज़ को देखो जो हमारा एक्टिविटी uh, होती है दैट इज इक्वल टू गामा इन टू एम और इसको अगर मोर प्रिसाइसली लिखें गामा सी बाई सी नोट क्योंकि एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली यूनिटलेस होती है यूनिट लेस है यहाँ से एम की तो यूनिट आ रही है ये यूनिट लेस होता है ये गामा क्या है एक्टिविटी कॉफिशियट गामा इज द एक्टिविटी कॉफिशियट एम इज द कंसनट्रेशन तो या तो एम को सी बाई सी नॉट लिखते हैं मोर अप्रोप्रिएटली अगर आपको कभी इनकेस वैसे तो आना है नहीं ये क्वेश्चन लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शन देखते हैं तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि ए इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी ठीक है तो अगर हम एक्टिविटी लिखते हैं इस सॉल्ट की अगर हम एक्टिविटी लिखें एम एक्स N वाई तो इस सॉल्ट की एक्टिविटी विल बी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई गामा प्लस माइनस की पावर एक्स प्लस वाई ठीक है दिस एक्टिविटी ऑफ सॉल्ट एक्स कॉफिशियंट ऑफ कैटाइन Y कॉफिशियंट ऑफ एनायन एंड गामा प्लस माइनस इज मीन आयनिक एक्टिविटी कॉफिशियट और अगर आप इसको लिखो आयनिक से मतलब ये तो प्लस माइनस दोनों की बात हुई अगर हम इसे लिखना चाहें गामा प्लस माइनस की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू तो गामा प्लस की पावर एक्स एंड गामा माइनस की पावर वाई ये है आयनिक एक्टिविटी कॉफिशियंट फॉर कैटायन एंड ये है आयनिक एक्टिविटी कॉफिशियंट फॉर एनायन ठीक है कैटाइन है तो कैटाइन की कॉफिशेंट पावर में एन आयन है तो एन एनआईन की कॉफिशियन पावर में लेकिन गामा प्लस माइनस सेंसिबल नहीं है क्योंकि आप खुद सोचो किसी पर्टिकुलर सल्यूशन में एनाइंस प्रेजेंट है तो कैटाइंस भी तो ऑब्वियस है प्रेजेंट होंगे ही होंगे ना तो हम गामा प्लस माइनस गामा प्लस और माइनस की सेपरेटली बात नहीं कर सकते हम बात कर सकते हैं सिर्फ मीन आइनिक एक्टिविटी कॉफिशियन की उसको लिख भले ऐसे सकते हो बट आप मेजर नहीं कर पाओगे गामा प्लस और गामा माइनस को गामा प्लस माइनस इज द मीन आयनिक एक्टिविटी कॉफिशियन और उसे कैसे निकालते हैं हम डिबाई हक्कल इक्वेशन से भी हम उसे निकाल सकते हैं ये दोनों फॉर्मले आपने नोट कर लिए थे ना एक्टिविटी का एक्स पावर एक्स वाई की पावर वाई गामा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस की पावर एक्स प्लस वाई अगर हम डिबाई हक्कल इक्वेशन लिखे डिबाई हक्कल इक्वेशन डिबाई हक्कल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए मॉड ऑफ जेड ए जेड बी रूट आई ठीक है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्व टू माइनस ए जेड ए जेड बी रूट आई वेर गामा प्लस माइनस मीन आइनिक एक्टिविटी कॉफिशियंट जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया मीन आइनिक एक्टिविटी कॉफिशियंट जेड ए एंड जेड बी क्या है चार्जेस चार्जेस ऑन आयंस चार्जेज ऑन आयस ए जो है वो कॉन्स्टेंट है दैट इज इक्व दैट इज इक्व टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो नाइन दिस इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट तो अगर टू नाइंटी एट कैलविन की बात होगी तो इसकी वैल्यू होगी जीरो पॉइंट फाइव जीरो नाइन ठीक है इसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव जीरो नाइन टू नाइन्टी एट कैलविन पे एंड दिस ए इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ठीक है टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट जेड इज एड बी एंड आई इज द आइनिक स्ट्रेंथ ठीक है आई इज द आइनिक स्ट्रेंथ अब इसे लगाना कैसे मान लो अगर हम किसी एक एग्जाम्पल से बात करें आपने आइन एक स्ट्रेंथ निकाल ली किसी भी सोल्यूशन की आप उसको रखो वैल्यूज को माइनस इज जेड इज एड बी के बाहर मॉड है मतलब अगर आपके अगर आप एन सी एल की बात कर रहे हो तो प्लस वन इन टू माइनस वन मॉड बी ए सी एल टू की बात कर रहे हो तो बी ए के प्लस टू सी एल का माइनस वन मॉड ठीक है मॉड आपको ज़रूर लगाना है आयनिक एक्टिविटी का रूट ये आपकी यहाँ से किसकी वैल्यू आपकी आएगी गामा प्लस माइनस की यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं गामा प्लस माइनस की ये हो गई डिबाई हक कल इक्वेशन अच्छा जब इसके बाद आता है एक टॉपिक सॉल्ट इफेक्ट तो सॉल्ट इफेक्ट से अभी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मतलब जो भी एक दो साल के अगर हैं वहाँ से सॉल्ट इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सॉल्ट इफेक्ट क्या आप बेसिकली डिस्कस करता है कि जब भी आपका जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है आपने उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज किया है आयनिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर दी है चार्ज पे और कंसनट्रेशन पे तो अगर हमारा कोई भी सोल्यूशन uh, है जिसमें कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है आयनिक रिएक्शन है कोई भी तो अगर आपने उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज किया है तो उस चेंज से आपका करस्पॉन्डिंगली क्या इफेक्ट आएगा इन द रेट ऑफ द रिएक्शन जो आपकी आयनिक रिएक्शन हो रही है उसमें क्या चेंज आएगा वो आपका डिस्कस करता है सॉल्ट इफेक्ट ठीक है सॉल्ट इफेक्ट आपका वो डिस्कस करता है तो अगर हम सॉल्ट इफेक्ट की बात करें लॉग के बाई के नॉट आर द रेट कांस्टेंट जो हम केमिकल काइनेटिक्स में जिन रेट कांस्टेंट्स की बात करते हैं के जो है हमारे वही रेट कांस्टेंट्स हैं ठीक है तो अगर हम देखें लॉग के बाई के नॉट इज इक्वल्स टू जैसे हमारा ये फॉर्मूला है ना डिबाई हक्कल इक्वेशन का बिल्कुल इसके करस्पॉन्ड नहीं इसके सिमिलर है टू ए जेड ए जेड बी रूट आई इसके डेरिवेशन में जाने की बिल्कुल नीड नहीं है अगर आप किसी भी दो आयंस की बात कर रहे हैं बाय बायोलिकुलर रिएक्शन बाय बायोमोलिकुलर मतलब ए और बी आयंस हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आयंस हैं तभी तो जेड जेड भी आया आयंस है तभी तो जेड इजेड भी आएगा ना ठीक है तो यहाँ तो पे आप एक बाय बायमोलिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे रेट कौन बताता है रेट कॉन्स्टेंट ठीक है रेट कौन बताएगा रेट कॉन्स्टेंट अब अच्छा इसमें पता है क्वेश्चन हाँ एक चीज और जैसे यहाँ पे मॉड लग रहा है यहाँ पे मॉड नहीं है इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉड नहीं है अगर आप इसको प्लॉट करोगे इसको आप ऐसे प्लॉट करो लॉग ऑफ के बाई के नॉट ठीक है अगर तो मान लो जेड ए और जेड बी दोनों ही पॉजिटिव है इक्वल तो नहीं है बट हम पॉजिटिव बोल सकते हैं जेड ए भी पॉजिटिव है और जेड बी भी पॉजिटिव है ठीक है जेड ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है तो इसका टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा टू जेड ए जेड बी पॉजिटिव होगा ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है अगर जेड ए पॉजिटिव है जेड बी जेड ए नेगेटिव है जेड बी पॉजिटिव है तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आगे नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव तो ये नीचे चला जाएगा अगर दोनों ही नेगेटिव हैं Z A के पे Z A और Z B क्या है Z ए Z बी ए और B के ऊपर चार्ज है ठीक है A प्लस ए ए टू प्लस बी थ्री प्लस बी माइनस बी थ्री माइनस ये है Z ए Z बी अगर ये दोनों नेगेटिव हैं अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा अगर इन दोनों में से एक पे भी चार्ज जीरो है मतलब आयने की स्पीशीज है ही नहीं है तो ये आपकी ये लाइन होगी ठीक है अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है देखो जो लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया उसमें इस तरीके से आए कि आपको आ, इसका या तो ग्राफ दे दिया या आपको इसकी वैल्यू दे दी कि ये ओवरऑल नेगेटिव है टू जेड ए जेड भी ये दे दिया अब आपको यहाँ से दिख रहा है या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे एक कोई आयन दे दिया आपको ओ एच माइनस दे दिया फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि ओ एच माइनस है तो दूसरे आयन पर प्रोबेबल चार्ज क्या है दूसरे आयन पे प्रोबेबल चार्ज क्या है अगर ओ एच माइनस है तो एक तो नेगेटिव हो ही गया तो अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब दूसरा चार्ज भी नेगेटिव होगा एक नेगेटिव हो गया और दूसरा चार्ज भी नेगेटिव होगा अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है ये था ना ग्राफ z इज इजेड भी नेगेटिव पे तो आपको वो क्या है जैसे ओ एच माइनस का दे दिया कि उनमें से एक आयन जो है वो है ओ एच माइनस अब ओ एच माइनस हमें पता ही क्या है नेगेटिव है ओ एच माइनस नेगेटिव है, है लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब जो दूसरा आयन है दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज अगर लाइन ये है तो वो आयन भी नेगेटिवली चार्ज होगा इसका मतलब और फिर उसके बाद आप वो आपसे पूछेंगे कि उस आयन पे प्रोबेबल चार्ज क्या है तो दो ऑप्शंस तो आप यूजुअली ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हो कि जो आपका आयन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा पॉजिटिवली नहीं तो दो ऑप्शंस आपके वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी बचे दो में से आप कैसे ऑप्ट करोगे दोनों नेगेटिव है वो आपको वैल्यूज कुछ ना कुछ गिवेन होंगी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या फिर यहाँ पे कोई इस तरीके से वैल्यू गिवन होगी आप उसके अकॉर्डिंग अंदाज लगा सकते हो कि इसका चार्ज क्या होगा प्लस वन होगा प्लस टू होगा डिवाइड करके बता सकते हो ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन आता है सॉल्ट इफेक्ट से तो मोबिलिटी क्या होती है मोबिलिटी बेसिकली होता है कि हमारा कोई भी आयन है ठीक है उस पर वो कैसे मूव कर रहा है इन द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो उसके इन्फ्लुएंस में आयन की मूवमेंट क्या है दैट इज़ कॉल्ड एज मोबिलिटी और अगर हम उसे लिखें तो मोबिलिटी को डिनोट करते हैं यू से दैट इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है ई बाई एल था ई इन टू एल था तो ग्रेडियंट क्या होता है कि विद डिस्टेंस कोई भी चेंज कैसे चेंज हो रही है कोई भी चीज़ विद डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडिय दैट इज ग्रेडियंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की इसका मतलब कि विद डिस्टेंस या पर यूनिट डिस्टेंस पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है तो अगर हम पोटेंशियल मान लें V प्लस अपॉन पोटेंशियल है अगर E तो विद डिस्टेंस e बाई एल कैसे चेंज हो रहा है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये हमारी मोबिलिटी है ये क्योंकि हमने यहाँ प्लस लगाया है तो ये हमारी मोबिलिटी हो गई ऑफ कैटायन अगर हमें मोबिलिटी लिखनी है एनायन की तो वी माइनस अपॉन ई बाई एल ठीक है वी माइनस अपॉन ई बाई एल ये हो गया आपका ये होगी मोबिलिटी अब इसकी यूनिट क्या होंगी वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन इसकी क्या है वोल्ट्स और लेंथ क्या है अपॉन में मीटर ठीक है मीटर पर सेकेंड वोल्ट अपॉन मीटर इसको सॉल्व करोगे ये आएगी आपकी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स ये हो गई आपकी यूनिट किसकी मोबिलिटी की मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन जेड एफ अगर आप बात कर रहे हो कैटाइन की तो लेमडा प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन पे ठीक है लैमडा प्लस अपॉन जेड प्लस और सिमिलरली अगर आप बात करोगे एन की लैमडा एम नॉट माइनस जेड माइनस एफ एफ इज फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल फैराडे कांस्टेंट अब ये दोनों की यूनिट सेम कैसे है अच्छा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है इसको करते पहले ये क्या होती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन Z प्लस चार्ज और F क्या है कुलम मोल ठीक है Z प्लस चार्ज कुलम पर मोल इसको आप करो आ, साइमन मोल से पर मोल से तो पर मोल कैंसिल ये आपका बचा मीटर स्क्वायर साइमर और कुलम तो अब देखो इसको आप जो आपका लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर फिजिक्स में पढ़ते हैं v है वो वाला लो तो v क्या है emf इसकी यूनिट्स क्या है वोल्ट्स i को क्या लिखते हैं q is equals to it तो i is equals to q upon t q इस चार्ज t इस टाइम इन सेकंड्स ठीक है इसको लिखो q by t q क्या है चार्ज तो कूलम ठीक है चार्ज है तो कूलम और सेकंड्स में टाइम रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम्स ओम्स लिख लो या फिर साइमन इनवर्स लिख लो ठीक है ओम्स लिखा या साइमन इनवर्स लिखा इसको ओम्स ही लिख लेते हैं सेकंड से कंफ्यूज हो जाएंगे वरना इसको ओम्स ही रहने देते हैं ठीक है यहां पे हमें किसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है साइमन की कर दे इसको इधर ले आओ वन अपॉन ओम इज इक्वल टू कूलम्ब अपॉन सेकेंड इंटू वन बाई वी तो वन अपॉन ओम क्या है साइमन कुलम्ब अपॉन सेकंड इंटू वन बाई वी ठीक है साइमन की जगह पुट कर दो कुलम्ब अपॉन सेकेंड इनटू 1 वन बाई वी मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है ओके okay, नीचे क्या बचा है कूलम कूलम से कूलम कैंसिल कूलम से कूलम कैंसिल बचा क्या मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स ये आपका बचा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स ये साइमन इन्वर्स नहीं है सेकेंड इनवर्स है आगे दोनों की सेम यूनिट जैसे ऊपर यूनिट थी वैसे ये यूनिट है ठीक है तो बेसिकली आपको सिर्फ यूनिट्स का पता होना चाहिए है ना एक और होती है यूनिट्स जूल इज इक्वल्स टू कोलम इन टू वोल्ट ऐसे इन जनरल आप साइड में लिख करके रखिए ये कई जगह काम आ जाती है जूल इज इक्वल्स टू कोलम इंटू वोल्ट अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर की ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत बेसिक है इसका हमें फॉर्मूला भी पता होता है ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ करंट दैट इज़ कैरेड बाय पर्टिकुलर आयन बस खत्म ठीक है ट्रांसपोर्ट नंबर हमारा होता है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन तो अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर लिखें किसी फ्रैक्शन ऑफ करंट है तो करंट हम किससे और डिनोट करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं जैसे अगर आपको टी प्लस लिखना है तो आप लिखोगे यू प्लस यू प्लस प्लस यू माइनस फ्रैक्शन है ना तो उसका अपॉन टोटल मतलब प्लस का कितना है अपॉन टोटल सिमिलरली अगर माइनस का लिखोगे तो माइनस का कितना है अपॉन टोटल ठीक है माइनस का लिखोगे अपॉन टोटल इसके बाद आपको लिखना है जैसे दूसरे टर्म्स में लेमडा के टर्म्स में लिखना है मोलर कंडक्टेंस तो टी प्लस इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट प्लस अपॉन लेमडा नॉट माइनस प्लस लेमडा नॉट प्लस प्लस का निकालना है प्लस का ऊपर रखो अपॉन टोटल कर दो माइनस का निकालना है माइनस का ऊपर रखो लेमडा नॉट माइनस लेमडा नॉट माइनस प्लस लेमडा नॉट प्लस ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर नौ� अगर कोई भी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अगेन केटाइंस और एनाइंस दोनों होंगे ठीक है तो टी प्लस प्लस टी माइनस मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ऐड करोगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन ठीक है ये किसी भी जनरल फ्रैक्शन के लिए भी तो एप्लीकेबल होता है जैसे हम मोल फ्रैक्शन की बात करते तो, तो ये क्या है ये भी तो हम डेफिनेशन में क्या था फ्रैक्शन ऑफ करेंट दैट इज कैरीड बाई दी आयन और मोल फ्रैक्शन में भी तो हम यही कहते हैं फ्रैक्शन है दोनों ही दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू वन या फिर समीशन एक्स आई इज इक्वल्स टू वन जितने भी नंबर जितने भी टाइप के हमारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे क्या है आयंस की बात कर रहे हैं तो सिमिलरली टी प्लस इज इक्वल प्लस टी माइनस इज इक्वल्स टू वन ठीक है इतना आप याद रखेंगे नेक्स्ट इज नर्स इक्वेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस ठीक है नर्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस अच्छा इसमें आप एक दो फॉर्मूला और नोट कर लीजिए डिफ्यूजन का एक तो डिफ्यूजन कोफ्यूजन डी इज इक्वल्स टू यू के बी टी डी इज इक्वल्स टू यू के बी टी अपॉन ई जैड यू इज द मोबिलिटी ठीक है यू इज मोबिलिटी के बी बोल्डसमैन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टी इज टेम्परेचर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ठीक है कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू दाइनस नाइनटीन कूलम। और Z इज चार्ज जैसे अगर हम किसी आयन की बात करें वो वाला चार्ज कि एन प्लस पे कितना चार्ज है वन नो यूनिट्स एन प्लस पे कितना चार्ज है वन विदाउट एनी यूनिट्स एंड D इज द डिफ्यूजन कॉफिशियंट डिफ्यूजन कॉफिशियंट किसका किसी भी आयन का जिस भी आयन की हम बात कर रहे हैं उसका डिफ्यूजन कॉफिशियंट ठीक है ये फॉर्मूला याद रखो एक रखो डिबाई हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ देखो ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो अगर आपको याद होंगे तो आप एक बार में आंसर कर दोगे अदरवाइज गया एप्सलोन नॉट आर एप्सलोन आर एप्सलोन नॉट एप्सिलॉन नॉट आर नॉट के बी टी अपॉन टू ई स्क्वायर एन ए आई पूरे की पावर वन अपॉन टू अच्छा ये दोनों डी अलग हैं ये क्या है स्क्रीनिंग लेंथ ये है डिबाई हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ ये परमिटिविटी है जो हम डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट वगैरह करते हैं ये वो वाली परमिटिविटी एफ्स आर एफसेल नॉट ठीक है के बी बोल्समैन कॉन्स्टेंट ठीक है केबी हमारा क्या है बोल्समैन कांस्टेंट बोल्समैन कांस्टेंट टी अगेन टेम्परेचर एन ए एवो नंबर लिखो आप एन एवोगेड्रो नंबर आई आए, आयनिक स्ट्रेंथ ई इज चार्ज ये वाला चार्ज जिस चार्ज की हमने यहाँ डिस्कशन किया है ये वो वाला चार्ज है ये दोनों डी सेम नहीं है ये हमारा डिफ्यूजन कॉफिशियंट है किसी आयन के लिए एंड दिस इज द डिबाई हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ आप ये फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे क्योंकि कभी कभी कहते हैं पूरा कैलकुलेट नहीं करवाएंगे वो आपको पूछेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने पर डिबाई हक्ल स्क्रीन लेंथ कैसे चेंज होगी आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करने पर डिबाई हक्कल स्क्रीन लेंथ कैसे चेंज होगी डिबाई हक्कल स्क्रीन लेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है इस तरीके से आता है कंपेरिजन पूरी कैलकुलेशन तो बहुत ही रेयर है नेट के एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन अब कैलकुलेटर मिला है लास्ट पर डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम होगा या नहीं तो इस तरीके से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ से आपसे मोबिलिटी दे सकते हैं आपसे पहले मोबिलिटी कैलकुलेट करवाएं फिर उसकी डिफ्यूजन कॉफिशियंट करवाएं, डिफ्यूजन कॉफिशियंट देके के मोबिलिटी कैलकुलेट करवा लें फॉर्मूला तो एक है ना हमारे पास जब फॉर्मूला है तो कुछ भी दे कुछ भी निकलवा सकते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट नर्स इक्वेशन इन एप्लीकेशंस देखो नर्स इक्वेशंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हम सबको पता है मेन बात होती है कि हमें इसे अप्लाई करना आना चाहिए तो अभी इस वाली वीडियो में तो हमें पता है कि हमें क्या करना है थ्योरी डिस्कस करनी है ऐस थ्योरी भी नहीं है बेसिकली जो कंसेप्ट है एक बार वो ब्रश अप करना है ठीक है नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी वो होगी प्रॉपरली क्वेश्चन वाली ये मैं ऑनेस्टली बताऊँ इस वाली वीडियो में से डायरेक्ट उठ के आना बहुत मुश्किल है इसको घुमा के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे यही पढ़ा है आएगा इसी में से ही बाहर तो कहीं जाएगा जब टॉपिक ही वही है तो आएगा भी वहीं से बट हर बार नया क्वेश्चन फ्रेम होना है ठीक है तो उसको कैसे करोगे उसको जो हमारा ऑलरेडी नोन कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना है हमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वहाँ पर हम टेन टेन समथिंग क्वेश्चन करेंगे ठीक है वहाँ पर हम देखेंगे कि इतना जो हमने पढ़ा है उसको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है ठीक है वहाँ पर ये चीज़ देखेंगे अभी के लिए देखो नंस इक्वेशन पता है हमें नॉन्स इक्वेशन इज इक्वल टू सॉरी ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन कंसेंट्रेशन किस की अगर हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं लॉन के लिख लो ठीक है यहां पर ये यह लिखते हैं अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है हमारी जिंक टू प्लस जो हमारा नॉर्मल गेलवेनिक सेल की रिएक्शन है तो इसमें हम क्या लिखेंगे के की वैल्यू यहाँ क्या होगी कॉपर टू प्लस की कंसेंट्रेशन अपन जिंक टू प्लस की कंसेंट्रेशन ठीक है इसको तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इतना तो सबको ही पता है और इसको हम 298 नाइन्टी पे अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग के ठीक है लॉग मतलब आपने 2.303 करके लॉक के कर दिया है उसके बाद ये वाली इक्वेशन अब आपको क्वेश्चन में हमेशा इधर याद रखना है कि आपको जो भी सेल रिएक्शन दी गई है वो 298 नाइन्टी रूम टेम्परेचर पे होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे अदरवाइज आप ये वाला फॉमूले पे प्रॉपर टेम्परेचर की जो भी वैल्यू आपको गिविन है वो रख के यूज़ करोगे इनकेस कोई वैल्यू गिविन नहीं है गो फॉर दिस फॉर्मूला अगर आपको कोई भी वैल्यू गिविन नहीं है टेम्परेचर की तो आप इस फॉर्मूले के साथ करेंगे अब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है बेसिकली इसके एप्लीकेशन में जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो ई e है ई e नॉट है तो इसमें हमें करना क्या होता है जैसे आपको मान लो कोई भी रिएक्शन इक्लिब्रियम में है ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्लिब्रियम में है एट इक्लिब्रियम ई की वैल्यू होगी जीरो e e e की, not, e not cell. E not cell की 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 नहीं होगी, e की value होगी। यहां पे आप e की value रखोगे तो क्या आ जाएगा? आपको ई e नॉट की वैल्यू पता होगी एन की वैल्यू पता होगी आपसे इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करवाया जाएगा ठीक है इक्लिब्रियम पे आपको कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि ई e की वैल्यू जीरो होगी ठीक है ये याद रखेंगे आप ई e की वैल्यू कब जीरो होगी जब आपसे कहा जाएगा कि सेल इज एट इक्ब्रियम खुद सोचो अगर सेल इक्ब्रियम पे इक्लिब्रियम मतलब खत्म नो no नेट रिएक्शन इक्लेब्रियम का मतलब क्या है नो नेट रिएक्शन अब जब नेट रिएक्शन ही नहीं है तो ई e कहाँ से होगा जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही नेट तो कहाँ से ई e आएगा ठीक है जैसे हम नॉर्मल इक्लेब्रियम की बात करते हैं कोई कंसनट्रेशन में चेंज नहीं आता है इक्ब्रियम पे सिमिलरली ई पे भी कोई चेंज नहीं आएगा इक्लेब्रियम पे अगर हम बात करें कंसनट्रेशन सेल की देखो कंसनट्रेशन सेल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कंसनट्रेशन सेल का हम एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कंसनट्रेशन सेल का अभी के लिए समझ लेते हैं कि कंसन्ट्रेशन सेल होती क्या है बेसिकली या तो हमारे मतलब दोनों हमारे जो बीकर होते हैं जो हम गैलवानिक सेल में पढ़ के आते हैं स्टार्टिंग में जो हमारे दोनों बीकर होंगे उसमें सेम सॉल्ट होगा सेम मेटल इलेक्ट्रोड होगा ठीक है सेम सॉल्ट एंड सेम मेटल इलेक्ट्रोड बट एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन तो कंसंट्रेशन सेल बोलते ही इसीलिए क्योंकि उसमें जो ई जनरेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट बिटवीन द टू एनोड्स सॉरी टू इलेक्ट्रोड्स जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो हमारा ई एम जनरेट होगा ठीक है वहां से आता हमारा कंसंट्रेशन सेल का कंसेप्ट तो उस कंडीशन में ई e नॉट की वैल्यू जीरो होगी ठीक है उस कंडीशन में ई e नॉट की वैल्यू जीरो होगी ये चीज आपको याद रखनी है आप अब इससे आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं डेल्टा जी ठीक है डेल्टा एच डेल्टा एस वो भी कैलकुलेट करवा सकते हैं अब डेल्टा जी इसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं आप अभी लिख लो इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम जब क्वेश्चन वाला वीडियो करेंगे उसमें देखेंगे ट्रस्ट मी हो जाएगा ठीक है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ पहला अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू तो माइनस एन एफ ई नॉट ठीक है डेल्टा जी डेल्टा जी नॉट अब एक चीज आती है टेम्परेचर कॉफिशियन टेम्परेचर कॉफिशियन क्या होता है कि हमारा ई एम एफ विद टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है दिस इज टेम्परेचर कॉफिशियट क्वेश्चन कैसे आएगा दो वैल्यू दे दी जाएंगी ई की दो वैल्यू दे दी जाएंगी टेम्परेचर की आपसे पूछी जाएगी एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ फैरडिकॉन्स्टेंट इंटू डेल ई बाई डेल्टी ठीक है यहां से आप डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर नहीं इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं इसमें दो टेम्परेचर आपको दिए जाएंगे दो ईएमएफ दिए जाएंगे डेल ई बाई डेल्टी आपने खुद कैलकुलेट करना है पॉसिबल है कि वो आपको ये भी दे दें ये इसकी यूनिट क्या होगी वैसे वोल्ट इनवर्स नहीं वोल्ट इन टू कैल्विन इनवर्स ठीक है इसकी यूनिट टेम्परेचर कॉफिशियंट की यूनिट आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है तो आप सबसे पहले भागो उसकी यूनिट्स के लिए चैप्टर तो जज कर लोगे ना कौन सा चैप्टर है उसकी यूनिट्स देखो क्या यूनिट्स है वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा ठीक है एन एफ डेली बाई डेल्टी यहाँ से आपने डेल्टा एस कैलकुलेट कर लिया अब डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा एस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए ई e से डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो डेल्टा एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ना ये आप एक साइड ना फॉमुला नोट डाउन करते हुए चलिए ठीक है एक साइड सारे लाइन से डेल्टा जी जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच डेल्टा एस कैलकुलेट कर लिया डेल्टा जी कैलकुलेट कर लिया डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो आप वहाँ से और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है आपसे इसमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ओके okay. ये क्वेश्चन है इससे हम समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे अप्लाई करना है थोड़ा बहुत समझ लेंगे बाकी के जो बच्चे जैसे के वाला concept है ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे बाकी वाले जो डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस ये टेम्परेचर कॉफिशेंट हो गया ठीक है ये सब कैसे करना है ये जो हमारा क्वेश्चन वाला होगा वीडियो उसमें से समझेंगे ठीक है ओके तो ये क्वेश्चन है आप एक बार इसको रीड कर लीजिए ए जी ए जी सी एल ये आपको पूरा एक सेल दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग ई नॉट की वैल्यू दे रखी है कैलकुलेट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी सी एल इफ़ पॉइंट वन एम के सी एल इज़ एट्टी फाइव परसेंट एसोसिएटेड एंड पॉइंट वन एम ए जी एन ओ थ्री इज एटी टू परसेंट एसोसिएटेड ठीक है तो हमने क्या यहाँ पर ये देखा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमें गिव है के सी एल जो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100 परसेंट डिसोसिएट होता है यहां पे हमने उसको दे रखा है कि वो सिर्फ 85 परसेंट डिसोसिएटेड है ठीक है तो इस चीज़ का एक तो आपको ध्यान रखना है कि के और ए जी एन का क्या डिसोसिएशन दे रखा है अब जो हम बात कर रहे थे कंसनट्रेशन सेल की तो बेसिकली कंसनट्रेशन सेल क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं अगर हम यहाँ पे देखें ये कैसे कंसंट्रेशन सेल है देखो यहाँ पे जो आयन है वो ए से आएगा कौन से आयन आएंगे ए जी प्लस और सी एल माइनस यहाँ से ये दो आयन आएंगे और अगर आप इधर आओ तो ये क्या है ए जी एन ओ थ्री यहाँ से कौन से आयन आएंगे ए जी प्लस एन ओ थ्री माइनस अब क्योंकि यहाँ पे ए जी प्लस की कंसंट्रेशन और जो यहाँ पे ए जी प्लस की कंसंट्रेशन मतलब यहाँ से तो KCl यहां यहां के सी एल है यहाँ पे ए जी एन ओ थ्री है यहाँ पे ए जी प्लस के रिस्पेक्ट में ये पूरा सेल है रिवर्सिबल मतलब ये पूरा सेल ए जी प्लस की वजह से हो रहा है क्योंकि ए जी सी एल की कंसंट्रेशन ऑल दो गेविन है हमें वो हमें निकालनी है ए जी सी एल की पॉइंट फाइव पॉइंट वन एम के सी एल ये दे रखा है ये ए जी सी एल के साथ है इसमें ठीक है और यहाँ पे ए जी एनओ थ्री तो ये क्या हुआ कंसनट्रेशन सेल ए जी सी एल के रेस्पेक्ट में अब आप देखो जो हम अगर इस तरीके से किसी भी सेल को देखें तो जो लेफ्ट पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट क्या होता है हमारा एनोड एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम ये देख के आए थे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ठीक है अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं ये क्या बनेगा ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ठीक है ये हो गई हमारी एनोड पे रिएक्शन या इसको बोल दो ऑक्सीडेशन और अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो वहां पे क्या होगा रिडक्शन एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी ठीक है ये हो गया रिडक्शन अब यहां पे तो एजी प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो हमें गिवन है पॉइंट वन एम ठीक है प्लस ओनली एटी टू परसेंट हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन नहीं है अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन को लिख दूं सी वन और इसकी कंसेंट्रेशन को लिख दूं सी टू तो ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं ए जी प्लस फ्रॉम कंसेंट्रेशन सी टू गोज टू ए जी प्लस कंसेंट्रेशन सी वन ठीक है ये हो गया

लॉग ऑफ ठीक है लॉग ऑफ अब देखो आपको यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं है इसीलिए हमने अज्यूम करके चला कि हमें 298 नाइन्टी पे दे रखा है क्योंकि देखो कोई ना कोई टेम्परेचर की वैल्यू तो हमें चाहिए ही होगी नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम ये वाले ना भी रखें तो भी हमें टेम्परेचर की वैल्यू तो चाहिए है. तो जहां पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है वहाँ हम टू नाइंटी कंसीडर करके चलेंगे रूम टेम्परेचर ठीक है ना इसके बाद इसको लिखो सी वन अपॉन सी ठीक है अब क्योंकि ये क्या है एक कंसेंट्रेशन सेल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा ई नॉट की वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो इसको आप क्या लिख सकते हो फाइनली ई इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लॉग ऑफ यहाँ से माइनस हटाया तो ये क्या हो गया सी टू बाई सी वन अब हमने C2 सी टू किसी कंसेंट्रेशन मानी है जिस साइड रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन कहाँ हो रहा है हमारा यहाँ यह हमारा रिडक्शन हो रहा है ठीक है रिडक्शन में ए जी प्लस की कंसंट्रेशन क्या के विन हमें जीरो पॉइंट वन एम अगर आपने डायरेक्टली ये रख दिया तो आंसर हो जाएगा गलत आपको ध्यान रखना है कि ए जी प्लस ए जी एन ओ थ्री जो है वो एटी टू परसेंट डिसोसिएटेड है तो एक्चुअल कंसनट्रेशन जो ए जी प्लस की है दैट विल बी इक्वल टू एटी टू परसेंट ऑफ पॉइंट वन एम ओके एजी प्लस की कंसनट्रेशन फाइनली अगर ऐसे डिनोट करें दिट दिस विल बी इक्वल टू सी टू सी टू मान के चली है हमने जीरो पॉइंट जीरो एट टू एम ठीक है यहाँ तक समझ में आया ए जी प्लस की कंसेंट्रेशन हमने क्या लिखी है जीरो पॉइंट जीरो एट टू एम क्योंकि वो है एटी टू परसेंट डिसोसिएटेड अब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में ठीक है तो ई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू भी हमें गिवन है पॉइंट फोर फाइव वोल्ट ठीक है Zero point four five volt is equals to zero point zero five nine one log of C2 टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट टू अपॉन सी हमें पता नहीं है C1 हमें निकालना है क्यों क्योंकि हमें यहाँ पे AgCl की कंसेंट्रेशन नहीं पता है हमें KCl की कंसेंट्रेशन पता है AgCl की नहीं पता अब यहाँ पे KCl का क्या रोल है वो हम आगे देखेंगे KCl का रोल क्या आ रहा है एक्चुअली जब हमारे पास AgCl है फिर भी KCl लिखने का सेंस क्या है यहाँ पे ठीक है यहाँ से आप जब सी कैलकुलेट करोगे दिस विल बी इक्वल टू जीरो जीरो एट इंटू टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मोलर ठीक है ये आ गई आपकी C1 की कंसनट्रेशन सी वन कंसनट्रेशन जो आपकी AgCl है अब हमसे क्या पूछा गया है सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl AgCl की सॉलिबिलिटी uh, प्रोडक्ट पूछा गया है पहले तो तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं अगर हमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखना होता है के ऐसे ही सोलिबिलिटी तो क्या है टू पॉइंट जीरो जीरो एट इंटू टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मूलर इंटू अब यहां सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन आप क्या रखोगे यहाँ पे सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन इसकी आनी चाहिए जो हमारी AgCl की कंसेंट्रेशन है वो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पॉइंट वन एम के सी एल अब आप एक बात सोचो अगर के सी एल प्रेजेंट है ठीक है के सी एल कैसे डिसोसिएट होगा के सी एल का अगर डिसोसिएशन दिखाएं दैट विल बी के प्लस सी एल माइनस ठीक है और ए जी सी एल का डिसोसिएशन कैसे होगा ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस अब देखो एक तो ऑलरेडी ए जी सॉल्युबल होता है उसका डिसोसिएशन कम होता है आपने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट और ऐड कर दिया जो ऑलरेडी सी एल माइनस फर्निश कर रहा है इन द सोल्यूशन के सी एल इज ऑलरेडी फर्निशिंग सी एल माइनस आइनज इन दोल्यूशन तो आपका जो ये वाला है कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड ये वाला डिसोसिएशन बैकवर्ड चला जाएगा तो जितनी भी जितनी भी सी एल माइनस की कंसनट्रेशन है वो कंसीडरेबली किससे आएगी के सी एल से ठीक है ना जैसे हमने अभी कंडक्टोमेटेड टाइट्रेशन देखा था उसमें क्या था वहाँ पे भी तो कॉमन आइन इफेक्ट लग रहा था जब हमने स्ट्रॉ स्ट्रॉग एसिड और वीक एसिड हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों लिए थे वहाँ पे कॉमन आइन इफेक्ट लग रहा था पहले वीक एसिड का पूरा डिसोसिएशन हो रहा था उसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था इन द सिमिलर वे जो आपका सी माइनस है यहाँ से ज़्यादा फर्निश हो रहा है क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कम्पलीटली डिसोसिएटेड होता है एटी फाइव परसेंट डिसोसिएटेड और ए जी सी एल की सॉलीबिलिटी इतनी नहीं होती है क्यों क्योंकि उसका डिसोसिएशन ही कम होता है तो यहाँ पर जो सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन हमने पुट, आ, पुट करनी है वो मेनली आएगी किससे आपके के सी एल से ठीक है तो अगर आप यहाँ से निकालो जीरो पॉइंट वन एम के सी एल एटी फाइव परसेंट तो यहाँ से सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी एटी फाइव परसेंट ऑफ जीरो पॉइंट वन एम

यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो सेवन सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मोलर स्क्वायर ठीक है और मोल को हम मोल, आ, एम को हम कैसे लिखते हैं एम इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर लीटर ठीक है तो यहाँ से अगर आप इसको लिखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो सेवन सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टेन स्क्वायर डेसीमीटर की पावर माइनस सिक्स ये क्या है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है ये आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेंिटी ऑफ ए जी सी एल आपको ए जी सी एल की सॉल्युबिलिटी निकालनी है ठीक है तो जब हम लिखते हैं यहीं से करता कंटिन्यू <coughs> Okay. आप के सी के एस पी कैसे लिखते हो अगर जैसे आप किसी भी सॉल्ट की बात कर रहे हो ए जी सी एल सॉलीबल सॉल्ट है ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस आप इसकी सॉलीबिलिटी एस मान के चलते हो इसकी भी सॉलिबिलिटी एस ठीक है इसकी सॉलीबिलिटी एस इसकी एक्स अगर मान लो कोई और स्पेरिंगली सॉलीबल सॉल्ट है ए बी फोर ए बी टू मान लेते हैं तो ये क्या है ए टू प्लस प्लस टू बी माइनस तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर एस है तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी होगी 2s आया समझ में ये एस एस कैसे क्योंकि इसके आगे 1 है यहाँ पे 1 और 2 है तो सॉलिबिलिटी भी s और 2s जब आप इसका के एस भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे s इंटू टू एस का स्क्वायर स्क्वायर क्यों इस 2 की वजह से इस 2 की वजह से एक बार आपने मल्टीप्लाई भी किया और फिर उसके बाद स्क्वायर भी किया लेकिन ए जी सी एल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है ठीक है तो ए जी सी एल में ए जी ए जी प्लस और सी एल माइनस दोनों की ही सॉलिबिलिटी क्या रहेगी एस एस तो के एस पी इज इक्वल्स टू एस इन टू एस एस स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी और आपसे पूछा क्या है सॉल्युबिलिटी एक चीज और ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमेशा मोलर्स में होगी सॉल्युबिलिटी हमेशा मोलर्स में कैलकुलेट करी जाएगी इन केस अगर यहां तो मोलर आ रही है वेल एंड गुड अगर आपकी मोलर नहीं आती है ठीक है अगर आपकी कंसेंट्रेशन मोलर में नहीं आ रही है फॉर एग्जाम्पल मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है या फिर ग्राम पर लीटर है ठीक है तो आप जैसे निकालोगे यहाँ से तो इसको आप मोल पर लीटर में दोगे वैसे आपको जिस यूनिट में पूछा जाए आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हो कि अगर कभी भी ऐसा भी होता है कि आपको दो आंसर सही दे रखे होते हैं हम क्या करेंगे यहाँ से सिर्फ एस मोलर में निकाल के आगे बढ़ जाएंगे अगर ग्राम पर लीटर में जैसे यूजअली स्ट्रेंथ हम डिनोट करते हैं ग्राम पर लीटर में लेकिन अगर आंसर में है ऑप्शन में ग्राम पर लीटर गिविन है तो एक बार आप करो उसको कन्वर्ट मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करो उसके बाद देखो मे बी पॉसिबल है ना कि वो दोनों आंसर हो बोथ ही एंड बी ऑप्शन ये तो आता ही रहता है ठीक है यहाँ से अब आप निकालो इसका करना है आपको अंडर रूट तो एस इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ वन पॉइंट ज़ीरो सेवन सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस टेन इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर गो इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी वन पॉइंट थ्री जीरो एट इंटू टेन रेस्ट टू द पावर माइनस फाइव मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोलर ठीक है आए समझ में एक बार आप देख लो इसको ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छा इसमें बेसिकली सीरीज क्या है ये सीरीज डिनोट दे, करती है रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं दैट इज़ अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो यहाँ हमने सबका रिडक्शन करवा रखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या रहता है कि जो भी आपका यहाँ पे आयन गिवन है ठीक है उसकी टेंडेंसी क्या है जैसे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में कौन से दो आइन होते हैं और कॉपर टू प्लस इन्वॉल्व होते हैं अब इन दोनों में से किसका होगा? इन दोनों दोनों आयंस में में से से किसका किसका रिडक्शन रिडक्शन होगा होगा ठीक है ये हम कैसे पता लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जनरेट कैसे होती है बेसिकली हम आरबी ट्रेरली जो रिडक्शन है इसका H प्लस आइन्स का रिडक्शन है उसको जीरो मान के चलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सुना होगा ना स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वहां से उसको आर्बिट्री जीरो मान के उसके कंपैरिजन में बाकी सबका ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो यहां पे जो ईएमएफ होता है दैट इज पॉजिटिव और यहां पे जो मतलब ये पूरा इतने सबकी ईम एफ आपको वैल्यूज में जाने की अभी नीड नहीं है आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिव होंगी और अगर इन केस नहीं गिविन है छोड़ दो उस क्वेश्चन को क्योंकि आप कितनी वैल्यूज याद कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो दो तीन वैल्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएंगी जेड एन टू प्लस जेड एन की हो जाएगी यूजअली हम उसको करते रहते हैं यूज बट सारी वैल्यूज आप नहीं याद कर सकते है। ठीक है तो बेसिकली हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है और अगर दो हैं कोई उसका ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एनी आयन टू गेट रिड्यूस इट रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ एनी आयन टू गेट रिड्यूस्ड ठीक है मतलब जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो गई आपकी ई e की ई e की बात हम कर रहे हैं मतलब रिडक्शन देखो अगर तो मैं लिखती हूँ ई नॉट फॉर एग्जाम्पल जेड एंड टू प्लस स्लैश जेड एन तो मैं क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि जेड टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके जेड एन बनाएगा क्या हो रहा है बेसिकली रिडक्शन तो ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें कि E नोट जेड एन जेड एन टू प्लस ठीक है E नॉट जेड एन जेड एंड टू प्लस तो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली जेड एन जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है अगर आप थोड़ा सा जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो ये ध्यान रखो कि आपको E नॉट किसकी दे रखी है इसका मतलब है ये कन्वर्जन इसका मतलब है ये कन्वर्जन जेड एंड जेड टू प्लस में बन रहा है उसका ई नॉट दे रखा है और ई नॉट जेड टू प्लस से जेड एन में बन रहा है वो दे रखा है और ये रिलेटेड कैसे होते हैं कि ई नॉट जेड एंड टू प्लस नॉट फॉर ओनली जेड टू प्लस जितने भी आपके आयन्स हैं जिनके रिडक्शन ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं वो सब ई नोट ऑफ जेड जेड एंड टू प्लस ठीक है तो ये दोनों एक माइनस साइन से रिलेटेड होते हैं दिस रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ओवरऑल रिडक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हो रहा है ऑक्सीडेशन जेड एन जीरो से प्लस टू में जा रहा है ठीक है ये आपका रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिलेटेड कैसे होते हैं एक दूसरे का बस साइन चेंज कर दो रिडक्शन से ऑक्सीडेशन बनाना है तो नेगेटिव साइन लगा दो अगर किसी रिएक्शन में आपको रिक्वायरमेंट है कि जेड से जेड एन बनाना है और आपको गिव इन है ये जेड से जेड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन रिवर्स करो ई नॉट की वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन लगा दो ठीक है ये हो जाएगा आपका इस तरीके से देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको ये वाली वैल्यू क्या आगे मिले ओके यहीं से क्योंकि ई नॉट की वैल्यू क्या है नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है और यूजुअली क्या होगा पेपर में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे सेम न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव तो वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको दिया क्या गया है आप अज्यूम क्या करके चल रहे हो उसको है ना ये हो गया अब देखो अगर मान लो इसको एग्जाम्पल समझते हैं वैल्यूज उसमें नहीं जाएंगे अगर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है कुछ प्लस टू पॉइंट थ्री एक्चुअल नहीं है ये वैल्यू जस्ट माना इसकी वैल्यू है कुछ प्लस टू पॉइंट थ्री और इसकी वैल्यू है कुछ फॉर एग्जाम्पल जीरो प्लस जीरो पॉइंट फोर ठीक है और अगर आपके पास एक सल्यूशन है जिसमें ये दोनों आइन्स प्रेजेंट हैं ए यू थ्री प्लस एंड सी यू टू प्लस और अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा या किसका ऑक्सीडेशन होगा तो याद रखना कि अगर पॉजिटिव है ये मोर पॉजिटिव है देन दिस दिस इज मोर पॉजिटिव देन दिस तो इसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड मतलब कि अगर हमारे पास एक सल्यूशन है जिसमें ए यू थ्री प्लस भी है और सी यू टू प्लस भी है ठीक है तो किसका रिडक्शन होगा ए यू थ्री प्लस का ए यू थ्री प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके ए यू बना लेगा और इसका क्या होगा इसका कुछ नहीं होगा इसका रिडक्शन नहीं होगा अगर आप करंट पास करोगे मतलब बेसिकली उसमें से वोल्टेज को सप्लाई करोगे सेल को तो इसका रिडक्शन होगा इसका रिडक्शन नहीं होगा दिस विल एग्जिस्ट एज सच इन द सोल्यूशन ठीक है मोर पॉजिटिव माने मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस खुद रिड्यूस होगा बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा ठीक है खुद रिड्यूस होगा बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा और अगर हम यहाँ पर बात करें नेगेटिव देखो ऐसे याद रखो कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे ठीक है नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम तो ये क्या है अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इनकी क्या है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज्यादा है इनकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज्यादा है तो ये क्या होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट <laughs> और ये क्या है इनकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा है इसीलिए ये क्या होंगे रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट ये हम कब बात कर रहे हैं जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं अगर हम इसकी जगह किसकी बात करें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो उसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव है अगर हम यहाँ बात करते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और वो ज्यादा पॉजिटिव होता तो उसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज होता है ठीक है अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ठीक है वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अगर हम इसमें देखें जो ऊपर प्रेजेंट है ना वो रिड्यूस होगा और जो नीचे प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका होगा रिडक्शन इसका होगा ऑक्सीडेशन अगर इन दोनों की बात करें तो इसका होगा रिडक्शन इसका होगा ऑक्सीडेशन क्योंकि इसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड सॉरी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ठीक है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इसकी ज़्यादा है और इसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा है या फिर कह लो कि इसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम है क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में है अगर आप बात करो इन दोनों की ठीक है अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका रिडक्शन पहले होगा इसका रिडक्शन नहीं होगा अगर किसी सोल्यूशन में ए एल थ्री प्लस भी प्रेजेंट है और के प्लस भी प्रेजेंट है तो किसका रिडक्शन होगा ए एल थ्री प्लस का क्योंकि ये लेस नेगेटिव है ठीक है ना ये लेस नेगेटिव है इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर कह लो कि इसको कुछ नहीं होगा के प्लस का तो फर्दर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा ना बेसिकली इसका रिडक्शन होगा और इसका रिडक्शन नहीं होगा अगर ए एल थ्री प्लस और के प्लस दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इसको बहुत ध्यान से देखना जब भी आपको पेपर में दिया जाए कि आपको एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेंडेंसी टू गेस्ट गेट ऑक्सीडाइज बस एक लाइन याद रखनी है बाकी सब उसी से बैठ करके एग्जाम में सोचो हर चीज रट के जाओगे सब मिक्सअप होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिक्सअप होते रहते हैं ठीक है तो एक कोई एक पक्की लाइन करके जाओ कि हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है बेसिकली इस टॉपिक से अब क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं है ना चार नंबर में क्वेश्चन आ जा रहा है थोड़ा न्यू टॉपिक है थोड़ा आराम से सुनना समझ में आएगा है ना देखो पोलैरो का बेसिकली मेन मोटो क्या होता है पोलेरोफी में जो आपका एक ये ये है ये है आपका ड्रॉपिंग मर्कली इलेक्ट्रोड दिस एक्सेस कैथोड डीएमई नाम तो सुना होगा ठीक है डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो कैथोड की तरह से काम करता है एंड दिस इज कैलमल इलेक्ट्रोड कैलमल तो पोलैरोफी बेसिकली इसमें पुलैरोग्राफी में दो हमारे इलेक्ट्रोड होंगे एक रिवर्सिबल होगा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एंड एक होगा नॉन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन रिवर्सिबल ठीक है जो डीएमई है डीएमई का बेसिकली ये क्या है मर्करी ठीक है मर्करी इज लिक्विड इन नेचर दिस इज कैपिलरी ठीक है ये मरकरी ड्रॉप्स हैं ओके ये है आपका टेस्ट सल्यूशन दिस इज टेस्ट सोल्यूशन टेस्ट सोल्यूशन मतलब जिसको हम बेसिकली एनालाइज करना चाह रहे हैं जिन आयन्स को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, दैट इज टेस्ट सोल्यूशन तो इसका काम कैसे करता है बेसिकली ये इसमें होता क्या है कि जैसे मर्करी ड्रॉप्स हैं है ना तो मर्करी ड्रॉप्स फॉल होंगे फ्रॉम द कैपिलरी फ्रॉम द कैपिलर जो आप नॉर्मल ड्रॉपर होता है घर पे उसमें से भी तो मरकरी ड्रॉप मतलब सॉरी नॉर्मल वाटर अगर आप फिल करते हो और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको आप गिराते हो नीचे तो समझ में आ रहा है ना क्या ये बिल्कुल सेम तरीके से मरकरी ड्रॉप्स होंगी तो एक पॉइंट होता है जैसे आप आपको मान लो कैपलर है बड़े में अगर रज्यूम करें पहले ड्रॉप इतनी बड़ी होगी फिर और बड़ी होगी फिर, हो फिर बड़ी होते होते बड़ी हो जाएगी मतलब मैक्सिमम साइज़ पर रीच हो जाएगी और जैसे ही इसका साइज़ मैक्सिमम होगा ये यहाँ से ड्रॉप कर जाएगी ठीक है ये इस कैपिलरी को छोड़ देगी और नीचे नीचे सेटल हो रहा है ये भी आपका मरकरी है ठीक है ये भी मरकरी नीचे सेटल होने लग जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा कुछ नहीं होगा इसके बाद फिर से और ड्रॉप भी कैसे होगी अगर ये बड़ा साइज़ है पूरा तो ये धीरे धीरे करके अपने आप को इससे डिटैच करेगा इस तरीके से कुछ डिटैच होता जाएगा धीरे धीरे करके फिर और नीचे आ जाएगा ये ड्रॉप ठीक है फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाएगा ड्रॉप एंड फाइनली एक स्टेज आएगी कि आपका ड्रॉप यहाँ से चला जाएगा ड्रॉप चला गया मरकरी तो ऊपर भी प्रेजेंट है तो और मरकरी ड्रॉप्स फॉर्म होना शुरू होंगी और जो है और ड्रॉप फॉर्म होते होते नीचे गिरेंगी एक ड्रॉप गई दूसरी ड्रॉप गई ठीक है तो ये रहता है इसमें आपका इसका मेन वो क्या रहता है कि जो आपका क्योंकि ड्रॉप है ड्रॉप का साइज वेरी कर रहा है पहले जब ड्रॉप फॉर्म हो रही है छोटे से बड़े से बड़े से बड़े मैक्सिमम साइज तक रीच होगी मैक्सिमम साइज तक पहुंचने के बाद वो फॉल होगी तो फॉल होते होते भी फिर एक आ, मतलब एक वेरिएशन आएगा ड्रॉप साइज में वेरिएशन आएगा मतलब ड्रॉप का साइज चेंज नहीं होगा वो जिस तरीके से खुद को डिटैच करेगी फ्रॉम द कैपिलरी तो क्या होगा जो भी हमारा हम इसको कैथोड मान रहे हैं तो करंट जो फ्लो होगा जो कैथोड से करंट फ्लो होगा जो ईएमएफ होगा वो भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द ड्रॉप साइज ठीक है तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं ये किस तरीके से वेरी करता है ऐसे इस तरीके से ये वैरी करेगा आया समझ में ये इस तरीके से वैरी करेगा एट कैथोड वेव की फॉर्म में मतलब यहाँ पे है ये चेंजिंग ईएमएफ है ठीक है ये है चेंजिंग ईएमएफ और अगर आप बात करोगे आ, कैलमल इलेक्ट्रोड की तो इसका तो ई एम एफ हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है इसलिए इसको नॉन रिवर्सिबल एंड दिस इज रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल ठीक है इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या रहता है इसका एप्लीकेशन पार्ट रहता है डिटर्मिन करना द uh, कंसेंट्रेशन, जो आपकी कंसेंट्रेशन होगी इन द सोल्यूशन ये जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें जो भी आयन हैं उसकी कंसेंट्रेशन जो टेस्ट सोल्यूशन है उसको हम लेते हैं मतलब कौन सा आयन प्रेजेंट है नॉट कंसनेशन उसका कौन सा आयन प्रेजेंट है क्योंकि जो भी आयन होगा अभी जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा उसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ई नॉट वैल्यू होगी तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हम आयन प्रोडिक्ट कर सकते हैं ठीक है इसकी कंसेंट्रेशन रहती है आपकी अराउंड टेन टू पावर माइनस फोर मूलर इसकी कंसेंट्रेशन रहती है अराउंड टेन टू दावर माइनस फोर मोलर ठीक है तो अब होता क्या है बेसिकली अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें इसमें मेनली होता है डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन कैसे होगा अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझो एक कोई भी इलेक्ट्रोड है अभी हम एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं कुछ आयंस हैं इस पर जा रहे हैं ठीक है ये सल्यूशन होता है सल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं है ना वो आयंस बेसिकली इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये पॉजिटिवली uh, चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है ठीक है तो इसमें जो ए टू प्लस ए प्लस मान लो कुछ भी मान लो ठीक है इसमें जो ए प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे वो इसकी तरफ जाएंगे और यहां जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ए बना लेंगे फाइनली ये होता है अब एक बात आ, सोचना कि अगर हमारे आयन्स जो हैं वो धीरे धीरे मूव कर पा रहे हैं ठीक है डिफ्यूजन उनका स्लो है डिफ्यूजन माने समझ में आता है ना डिफ्यूजन कैसे हो रहा है डिफ्यूजन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन या मूवमेंट को जो हम बताते हैं किसी सोल्यूशन या गैस में वो डिफ्यूजन है तो मान लो ये जो हमारे आयन्स हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ हो रहे हैं ठीक है तो क्या होगा कि जो आयन यहाँ पहुँच गया वो तो ए बन गया ठीक है जो आयन यहां पहुंच गया वो तो ए बन गया लेकिन जो आयन अभी यहां प्रेजेंट है उसको यहां तक पहुंचने में लग रहा है टाइम क्योंकि डिफ्यूजन इज स्लो डिफ्यूजन इज स्लो और पुलैरोग्राफी इसी चीज़ पर वर्क करती है कि जो डिफ्यूजन है आयंस का दैट इज़ स्लो इसका डिफ्यूजन स्लो है तो एक पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे तो जितने भी आयंस थे वो सारे हो गए ए में कन्वर्ट जितने भी आयंस थे वो सब हो गए ए में कन्वर्ट और यहाँ पे ए प्लस की कंसनट्रेशन अभी भी ज्यादा है क्योंकि डिफ्यूज़ करके यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो ए प्लस आयन की कंसनट्रेशन है मान लो ए वन वो लेस होगी देन द कंसनट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन टू इन द बल्क यहाँ कंसन्ट्रेशन कम होगी और यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ए प्लस आयंस की ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा ग्रेडियंट हमने समझ लिया क्या चीज़ है कि विद डिस्टेंस कोई भी चीज़ कैसे चेंज हो रही है तो यहाँ पे विद डिस्टेंस कंसनट्रेशन कैसे चेंज हो रही है दैट इज़ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट और हमारा करंट टोटली किस पे डिपेंड करेगा डिफ्यूजन पर ठीक है टोटली किस पे डिपेंड करेगा डिफ्यूजन पे जो इसका डिफ्यूजन होगा जो भी हमारे आयंस का डिफ्यूजन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो करंट रहेगा वो उस तरीके से मतलब वैरी करेगा यहाँ पे कंसंट्रेशन मिनिमम होगी प्लस की क्योंकि वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस जो हमारा ए सॉलिड या किसी भी एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नॉट एक्वस सॉलिड ही होगा ठीक है और यहाँ पे जो ए प्लस की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी तो ये हो गया हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल पोलारोग्राफी का ठीक है तो इस फिनन को हम क्या बोलेंगे कंसेंट्रेशन पोलराइजेशन कंसनट्रेशन पोलराइजेशन ओके okay. अच्छा जो इसमें हमारा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के अब सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ही है जिसमें क्या होता है कि आपके जो आयंस प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल इसमें सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के सी एल यूज़ होता है तो आयंस कौन से हुए के प्लस एन सी एल माइनस तो ये जो आयंस प्रेजेंट है ये एट अ गिवन पोटेंशियल जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे इनका क्या बोलना चाहिए रिडक्शन uh, या ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होगा मतलब ये एज ही एग्जिस्ट करेंगे इसीलिए इसको बोलते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन इसमें अराउंड वन मोलर के सी एल वन मोलर के सी एल आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हो गया अच्छा जब हम डिफ्यूजन करेंट की बात कर रहे हैं आई डी से डिनोट करते हैं दैट इज डिफ्यूजन करेंट डिफ्यूजन करेंट आई डी इज इक्वल्स टू के सी डिफ्यूजन करेंट आई डी इज इक्वल्स टू के सी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है एंड के इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंटर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट ठीक है के इज अ कंसनट्रेशन हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट अब आ, जो हमारा आईडी है दैट इज डिफ्यूजन करेंट ठीक है इसको हम कैसे देते हैं हाँ तो के की वैल्यू हम देते हैं इल्कोविक इक्वेशन से इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रख लेना इल्कोविक इक्वेशन के के की बात कर रहे हैं या पे या आप ऐसे लिखो आई डीवल टू तो, अगर हम के को ओपन करें के कंसेंट्रेशन पे सॉरी टेम्परेचर पे एक्चुअली डिपेंड कैसे कर रहा है तो दिस इज इक्वल टू सिक्स जीरो सेवन एन डी टी एम सी डेली टू मुंबई बाई कार इसको ऐसे याद रख लेना जैसे याद रख सको रख लेना मैंने ऐसे याद रखा ये तो सी एज इट इज़ आई गया ठीक है सिक्स जीरो सेवन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म इसके आगे डेली टू मुंबई बाई कार इसका पावर है वन बाई टू वन बाई सिक्स एंड टू बाई थ्री हाँ वन बाई टू वन बाई सिक्स टू बाई थ्री इसको ऐसे याद रखना वन बाई टू वन बाई सिक्स टू बाई थ्री अब डी यहाँ पे क्या है टेम्परेचर कॉफी डिफ्यूजन कॉफिशन जो हम पीछे पढ़ के आए थे जो हमने पीछे पढ़ा था म्यू के बी टी बाई ई जेड डिफ्यूजन कोफिशियंट अब जब डिफ्यूजन कोफिशियंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो आई डी भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा यानी कि के भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ठीक है क्योंकि डी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है टी क्या है आप एम क्या है आपका कि जो फ्लो रेट है मरकरी का जो यहाँ से कैपिलरी से मरकरी जो ड्रॉप हो रही है उसका फ्लो रेट क्या है कितना क्या फ्लो रेट है उसका वो आपका मरकर एम बताता है ठीक है टी इज द ड्रॉप टाइम इन सेकेंड एम इज द फ्लोरेट ऑफ मर्करी ठीक है तो ये जो बेसिकली T एंड m, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपलरी मतलब ये कैपेलरी पे डिपेंड करेंगे ना ड्रॉप टाइम जो भी होगा जो भी ड्रॉप टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कैपिलरी पे अगेन कैपिलरी का जो रेडियस है वो क्या है वो कैपिलरी डिसाइड कर रही है फ्लोरेट वो भी कैपिलरी डिसाइड कर रही है तो ये क्या है ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिलरी कैपिलरी चेंज करते ही आपकी टी और एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी और सी क्या है कंसेंट्रेशन जो वहाँ पे कंसेंट्रेशन लिखी हुई है आई डी इज इक्वल्स टू के सी ये वही कंसेंट्रेशन है ठीक है जो आपकी एम की यूनिट्स होती है एम की यूनिट्स दैट इज इन ग्राम पर सेकेंड एंड दिस इज इन सेकेंड ठीक है सेकेंड्स ओके okay, ये हो गई आपकी इल्कोवे की क्वेश्चन इसको अच्छे से याद कर लेना एकदम और एक और इसमें चीज आती है आई आई लिमिटिंग इज इक्वल टू आई रेजिडुअल प्लस आई डी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एक क्वेश्चन आपका आ, इसके प्रिंसिपल से रिलेटेड आ सकता है कंसंट्रेशन टेस्ट सोलूशन की क्या रह सकती है के की कंसंट्रेशन हम कितनी रखते हैं कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या है ठीक है एक हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट क्यों क्योंकि बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है डिफ्यूजन ऑफ द आयन अगर आयन का डिफ्यूजन इंस्टेंट है तो तो वो तुरंत कैथोड के पास पहुँच जाएंगे कोई हमारा concentration gradient नहीं होगा जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर ions का डिफ्यूजन फास्ट है तो वो हमारा जो इलेक्ट्रोड uh, है जाएंगे जाएंगे ठीक ठीक है जग, है है जाएगा जाएगा के पास हो जब अगर तो क्या कोई दिक्कत नहीं है नो डिफ्यूजन करेंट लेकिन ये बेसिकली डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि जो आपका करंट है वो डिफ्यूजन पे डिपेंड करे अच्छा एक पॉइंट क्या आएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहां पे इलेक्ट्रोड पे जो कंसनट्रेशन है ए प्लस की ए प्लस की कंसंट्रेशन वो हो जाएगी जीरो इलेक्ट्रोड पे ए प्लस की कंसनट्रेशन जीरो हो जाएगी और बल्क में तो ए प्लस है ही है तो उसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रोड पे जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा मतलब एक आप जा रहे हो जीरो से टेन एक आप जा रहे हो फाइव से टेन तो कहाँ पे ज्यादा चेंज आया यहाँ पे ज्यादा चेंज आया ना तो यहाँ का ग्रेडियंट क्या होगा टेन माइनस जीरो अपॉन डिस्टेंस कोई भी एक्स मान लो यहाँ का ग्रेडियंट होगा टेन बाई एक्स और यहाँ का ग्रेडियंट क्या होगा टेन माइनस फाइव बाई एक्स फाइव बाई एक्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये ज्यादा हुआ तो जब हमारा इलेक्ट्रोड पे कंसनट्रेशन ए प्लस की जीरो हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा वहां पे जो करंट होगा वो होगा लिमिटिंग डिफ्यूजन करंट क्योंकि उससे ज्यादा तो कोई उससे एक्सट्रीम कंडीशन हो नहीं सकती इसीलिए वर्ड लिमिटिंग उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग डिफ्यूजन करंट ठीक है एक आपका इस आपको इन शॉर्ट इसमें क्या याद रखना है एक आपको याद रखनी है वो इल्कोविक इक्वेशन ठीक है एक आपको याद रखना है आई इज इक्वल टू के सी अब आई कौन सा आई डी डिफ्यूजन करंट एंड आई एल इज इक्वल टू आई डी प्लस आई आर आई आर इज रेजिडल करंट रेजिडुअल करेंट मतलब आपका कोई टेस्ट सोलूशन प्रेजेंट नहीं है फिर भी जो करंट प्रेजेंट है रेजिडअल करंट दिस इज डिफ्यूजन करंट एंड दिस इज लिमिटिंग करंट दिस इज लिमिटिंग करंट अच्छा एक और चीज़ इसमें जो भी आपका टेस्ट सोल्यूशन होता है उसको हम नाइट्रोजन पास करके डीएरेटेड करते हैं ठीक है डीएरेटेड करते हैं जो भी आपका टेस्ट सोल्यूशन है उसको इसका मेन मोटिव क्या है कि अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो पोटेंशियल अप्लाई करने पर तो ऑक्सीजन भी तो रिड्यूस हो सकती है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन भी तो रिड्यूस हो सकती है तो ठीक है अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया तो जो आपकी एरर आ जाएगी एक्सपेरिमेंट में और जो आप एक्चुअली डिटर्मिन करना चाह रहे हो जो भी आप आयन डिटर्मिन करना चाह रहे हो उसमें कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसको डीएरेटेड किया जाता है ठीक है डीएरेटेड मतलब नाइट्रोजन गैस पास करके इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा हमारी इम्प्योरिटी कह लो वो रिमूव करते हैं और हमारा इसमें सल्यूशन में जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसमें सिर्फ क्या रह जाता है वो वाले आय जो हम एक्चुअली डिटर्मिन करना चाहते हैं ठीक है ये आप एक बार ओके okay. <coughs> देखो पोलैरो में से आई होप समझ में आएगा पोलैरो आपका मेन चीज हो गया कंसेंट्रेशन पोलराइजेशन डिफ्यूजन करेंट ठीक है अब एक ग्राफ और इसका ऐसे रहता है इस तरीके से करंट डेंसिटी होती है कुछ ठीक है ये आपका लिमिटिंग करंट हो जाता है नीचे तक पूरा ये इसको छोड़ो इससे कन्फ्यूजन ही होगा कि आया कहाँ से है ना आप फिलहाल क्योंकि उस ग्राफ से बेसिकली हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे सिर्फ हम यही कंक्लूजन निकालेंगे जो आई एल इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई डी सिर्फ हमारा ये कंक्लूजन रहेगा ओके okay. चलो ठीक है ये हमारा पोलरोग्राफी खत्म हुआ अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें हम करेंगे न्यूम्रिकल्स जो आज हमने सॉर्ट sort ऑफ of, थोड़ा सा उड़ता उड़ता हमने नर्स इक्वेशन पढ़ी है उससे सिर्फ हमने के एस पी तो करा ना उसके बाद जो बाकी का बचा टेम्परेचर कॉफिशियन डेल्टा जी डेल्टा एच वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फेरेडे लॉ या एक आ टॉपिक जो ऐसा जो हम इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ते हैं बट नए तरीके से उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हमारा मोटिव रहेगा कि जितना भी हमने आज पढ़ा है ना उसको अगर हम नया क्वेश्चन दिखे तो उस पर अप्लाई कैसे करना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अराउंड टेन समथिंग ठीक है हैप्पी लर्निंग